आप सभी लोगों का स्वागत है डे टू ऑफ लर्निंग क्यूबरनेटिस फ्रॉम ग्राउंड जीरो। तो आज हम सेकंड डे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने बात किया था कंटेनर्स के बारे में, कंटेनर के बारे में कि क्या होते हैं। उसके साथ हमने ये देखा था कि डॉकर एंजिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें कंटेनर क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। आज हम इस डॉकर एंजिन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज कल हमने जो पढ़ा था जस्ट एक, वो मैंने आपसे बोला था कि हम क्यूबरनेटिस के काफी करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस के पास जाने से पहले हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं साइड, और बहुत सारे टॉपिक्स एंड टर्म्स, ताकि जब हम क्यूबरनेटिस पढ़ें तो हमें ऐसा ना लगे कि यार हम कहाँ लॉस्ट हो गए हैं, या ऐसे क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉकर इंजन की। तो आप लोग ये सोचोगे कि यार ये डॉकर क्यों पढ़ा रहा है, डॉकर इंजन तो हमारा टॉपिक था नहीं। मैं डॉकर इंजन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉकर इंजन एक्चुअली में एक इंजन है जो कि क्यूबरनेटिस के हार्ट में सिट करता है। तो मतलब ये है कि जिस क्यूबरनेटिस को हम पढ़ना चाहते हैं उस क्यूबरनेटिस के अंदर डॉकर इंजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम डॉकर इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डॉकर इंजन क्या होता है, एक बार थोड़ा सा रिविजन मैं जस्ट एक रिकैप करा देता हूँ आपको कि कल हमने पढ़ा था पांच लेयर्स, जो कि पांच लेयर्स आपको कभी भी भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। ये पांच लेयर्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एंड टू एंड ओनरशिप के टर्म्स में, कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो या डेवलप करते हो या फिर उसे आप डिप्लॉय करते हो, तो इन पांच लेयर्स जो हैं इनका इस्तेमाल होता है। सबसे पहला होता है आपका हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस कॉन्फ़िगरेशन, देन एप्लीकेशन डिपेंडेंसी, और पांचवें नंबर पे आपका आता है एक्चुअल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है कि जब हमने क्लाउड पढ़ा था तो क्लाउड में हमने ये देखा कि जो लेयर वन है दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर, तो हार्डवेयर को हमने वर्चुअलाइज किया और उसको वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट किया, एंड देन फिर हमने वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाला और फिर हम अपना कंटिन्यू किया हमने अपने आगे की एक्टिविटीज को। देन कल जब हम कंटेनर्स की बात कर रहे हैं तो हमने कंटेनर्स में क्या देखा था कि हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओएस कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों को एक पैकेज के अंदर डाल दिया जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक वर्चुअल तो नहीं बोलूंगा मैं, लॉजिकल बोलूंगा, एक लॉजिकल मशीन बनाते हैं जिस मशीन के अंदर ऐप डिपेंडेंसी हम डायरेक्टली इंस्टॉलेशन करते हैं और उसके बाद हम टॉप पे अपना एप्लीकेशन डालते हैं। तो हम एज अ डेवलपर अगर बात करें तो एज अ डेवलपर हम कहाँ देखते हैं, हम अपना काम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर फोर से, ठीक। ये जस्ट एक ओवरव्यू था डॉकर इंजन के बारे में। तो अभी हम इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि डॉकर इंजन क्या होता है। आप एक कोई भी हार्डवेयर लें, ठीक है, कोई भी एक हार्डवेयर होगा जिसको कि हम होस्ट हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। ये एक होस्ट हार्डवेयर भी हो सकता है, ये एक होस्ट वर्चुअल मशीन भी हो सकता है, ये होस्ट वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर से भी आ सकता है डायरेक्टली, या फिर ये क्लाउड से भी आ सकता है। तो आपके पास या तो वर्चुअल मशीन होगा या तो हार्डवेयर होगा, फिजिकल सर्वर होगा। मेजरली दो कैटेगरी है, फिजिकल सर्वर या फिर वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन देन लेटर क्लासिफाई होता है दो टाइप में, या तो वो क्लाउड से वर्चुअल मशीन बनेगा या वो हाइपरवाइजर से वर्चुअल मशीन बनेगा। लेयर वन डन। लेयर टू में क्या होता है, आपका एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, बट वो फ्री ओपन सोर्स होना चाहिए। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं FOSS, बहुत इजी है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब सुनने में FOSS बड़ा कुछ लगता होगा ना, हाई फाई सा वर्ड है, एक्चुअली फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को FOSS बोला जाता है। तो डॉकर ये कहता है कि आप किसी भी टाइप का आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं जो कि ओपन सोर्स होना चाहिए। उसके टॉप पे आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर एंजन इंस्टॉल करते हैं। तो एंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कंटेनर्स क्रिएट करके देता है। कंटेनर्स क्या होते हैं, एक रन टाइम एनवायरमेंट होते हैं, एक रन टाइम एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन चलाते हो। तो आपकी नजर में जब आप उस पर लॉग इन करते हो कंटेनर के अंदर, तो वो आपको एक वर्चुअल मशीन की तरह लगेगा। मतलब आप एज्यूम करो आज की डेट में, जैसे आप अगर वीए अपने सर्वर पे लॉग इन करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है सर्वर पे लॉग इन करने के लिए, एक यूजर आईडी चाहिए होती है, क्रेडेंशियल, और एक आईपी चाहिए होती है। आप जब यूजर पे लॉग इन करते हो उस यूजर के थ्रू सिस्टम पे, तो आप एक मशीन के अंदर जाते हो। उस मशीन में चाहे आप टॉप कमांड चलाओ, चाहे आप डीएफ आईफन किया चलाओ,
चलाओ, चाहे आप उसके अंदर कोई सिस्टम सर्विसेज रन करो, कोई सॉफ्टवेयर रन करो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए वो एक मशीन होती है। तो जस्ट जैसा मशीन होता है, ऐसे ही ये कंटेनर एक लॉजिकल मशीन है, बट ये वर्चुअल मशीन नहीं है। पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज हम एक वर्चुअल एनवायरमेंट से, अब क्लाउड से, अब हम कंटेनर पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कह सकते हैं कि ये एक वर्चुअल मशीन जैसा दिखता है, बट एक्चुअली में ये वर्चुअल मशीन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल कंटेनर्स आप इसके ऊपर रन कर सकते हो। अब ये रन का तरीका क्या होता है, इसको रन करने का? देखो, इसको रन करने का तरीका ये होता है कि जो डॉकर इंजन है, इसमें बहुत बेसिक बेसिक कमांड्स होती हैं, बहुत ही सिंपल कमांड होती है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए होती है? आपको चाहिए होती है इमेज। तो अगर आप याद करो, जब हम ओपन स्टैक पढ़ रहे थे, तो हम ओपन स्टैक में अगर हमें कोई वीएम क्रिएट करनी होती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हमें एक इमेज क्रिएट करनी होती है। इमेज का मतलब कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है, और मैं उस इमेज से अपने वीएम को डायरेक्टली रन करता हूँ, ठीक है। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। यहाँ पे कंटेनर की इमेज होती है, और कंटेनर की इमेज जो है वो किसी न किसी रेपोजिटरी में स्टोर होती है। उस रेपोजिटरी को हम कहते हैं डॉकर लोकल रेपोजिटरी। होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आप ये डॉकर इंस्टॉल करते हो, तो आपके रेपोजिटरी के अंदर कोई भी इमेज नहीं होती है, ठीक है। तो आपको अब इमेज चाहिए, तो आपको इमेज चाहिए, तो उसके लिए क्या किया हुआ है कि डॉकर ने अपनी एक ग्लोबल रेपोजिटरी बनाई है, कि अगर आप अपने वीएम को, इस पर्टिकुलर मशीन को, ये जिस मशीन पे आपने डॉकर इंस्टॉल किया है, इस मशीन को अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप डॉकर की जो ग्लोबल रेपोजिटरी है, आप उस पर डायरेक्टली कनेक्शन बना सकते हो, और वहां से आपको जो भी इमेज चाहिए, चाहे आपको रेड हैट 7 चाहिए, चाहे आपको रेड हैट 8 चाहिए, चाहे आपको ओपन सूजे चाहिए, चाहे आपको सेंटोएस चाहिए, किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए, उन्होंने स्टैंडर्ड इमेजेस कंटेनर की ऑलरेडी बना रखी हैं। आपने सिर्फ एक काम करना होता है, पुल करना होता है। बहुत सिंपल कमांड होती है, डॉकर पुल रेपो, जो भी आपका कंटेनर का नाम है, वो क्या होगा, वो डाउनलोड होके आपके लोकल रेपोजिटरी में आ जाएगा। तो इसी इंजन में एक लोकल रेपोजिटरी मेंटेन होती है, जैसे कि हमारे ओपन स्टैक में ग्लैंस होता था। ग्लैंस क्या करता था? इमेज स्टोर करता था। ऐसे ही डॉकर इंजन के पास अपनी एक लोकल रेपोजिटरी होती है, जो ग्लोबल से डाउनलोड करके अपने पास रख लेता है। एक तो तरीका होता है कि आप ग्लोबल से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है कि आप अपनी इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, उसको अपलोड कर सकते हो इसकी लोकल रेपोजिटरी में। उसके बाद आपने सिर्फ एक कमांड चलानी होती है, लिखना होता है डॉकर रन, और उसके बाद आपको कंटेनर का नाम देना होता है, इमेज का नाम लिखना होता है, सिंगल कमांड, और आपका जो कंटेनर है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आप उस कंटेनर के अंदर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद अंदर जब आप जाते हो, तो वो आपको बिल्कुल एक वर्चुअल मशीन के जैसा दिखता है। अब उसके अंदर आपको जो भी काम करना है, आपको मान लो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपको बाहर से लॉगिन करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप पूछोगे लेकिन इसमें कृष्ण जैसे हम बोलते हैं कि वो नॉर्मल वर्चुअल मशीन जैसा दिखता है, जैसे नॉर्मल मशीन में तो हम देखते हैं फ्री आईफोन जी मार के देखने क्या रैम है, क्या क्या हमारी स्पेस वगैरह है, कितनी सीपीयूज हैं। अब इसमें हम बनाते टाइम तो हम ये सिर्फ देते नहीं है हाँ नाम, बिल्कुल तो नाम सीपीयू दे रहे हैं उसको, नाम रैम दे रहे हैं कि कितनी रैम वाला कंटेनर होगा, तो वो कितना मिनिमम होगा, वो क्या इमेज में डिफाइंड होता है कि उसमें कितने उसको मिलेंगे रिसोर्सेज। देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा है। आप इस क्वेश्चन को ना अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे पार्क करते हैं। पार्क क्यों करते हैं कि जब मैं क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा कि हाँ, उसका आंसर यस है, ये हम डिफाइन करते हैं कि हमें इतना चाहिए होता है, ठीक है। पर वो एक्चुअली में आपको उतना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सिस्टम इंजन डिसाइड करता है। डॉकर को पढ़ने के बाद जब आप जाते हो क्यूबरनेटिस में, तो क्यूबरनेटिस में आप स्पेसिफिकली डिफाइन करते हो पॉड के अंदर कि आपको कितना चाहिए रिसोर्सेज। यहाँ पे आप जब डी हाइफन जी करोगे, या आप डी एफ हाइफन के एच करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, राइट? आपका क्वेश्चन ये है, तो आपको यहाँ पे वो चीजें नहीं दिखेंगी जो एक्सटर्नल उसकी होती हैं। आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं डीएफ की कमांड नहीं चलेगी, लेकिन आपको तो सिर्फ क्या कहते हैं, वही चीज दिखेगी जो आपके कंटेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब ये थोड़ा एम्बिग्यूटी आंसर लग सकता है आपको कि यार ये मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप कोई माउंट करोगे ना अपने कंटेनर के साथ, कोई स्टोरेज को आप माउंट करोगे, तो आपको वो स्टोरेज वहां दिखेगी डीएफ हाइफन के एच के आउटपुट में।
तो आपको साइज दिखेगा, बट वो साइज वो होगा जो आप जब माउंट करोगे और आप रिक्वेस्ट करोगे, आपका कंटेनर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे 50 GB का एक वॉल्यूम चाहिए, तो जब आपको 50 GB का एक वॉल्यूम आप मांगोगे तो वो आपको वहां पे दिखाई देगा। जब आप DF-Engage करोगे तो वहां पे आपको 50 GB माउंटेड दिखेगा, तो आपकी कमांड चलेंगी, आपका सब कुछ चलेगा, लेकिन वो जो वैल्यूज हैं, जो आपको जो वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं, वो एक्चुअल OS की नहीं होती हैं। मतलब आपके कंटेनर की जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो रन टाइम पे वैल्यू बढ़ती भी है घटती भी है। तो आप DF-Engage कमांड है, free-g है, ऐसी कमांड्स को आप रिलाई नहीं कर सकते। आपको जो आउटपुट आएगा वो स्टेबल आउटपुट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट आपके सिर्फ कंटेनर के उस टाइम पे जितना आपको असाइन किया जा रहा है सिर्फ उतना ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने लिखा टॉप, तो टॉप में आपको कितना GB रैम दिखेगा, तो टॉप में आपको उतना ही रैम दिखेगा जितना आपके कंटेनर को मिला हुआ है। मान लो आपके कंटेनर को अगर फॉर एग्जाम्पल मिला हुआ है 1 GB रन हो रहा है, आपको 1 GB असाइन हुआ है बिकॉज आपकी डिमांड है 1 GB, वो आपका डिमांड कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है, तो टॉप का जो आउटपुट है वो आपका फ्लक्चुएट होगा। तो टॉप के आउटपुट से आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि आपके पास कितनी क्या कहते हैं CPUs हैं टोटल, तो इसलिए ये रिलायबल आउटपुट नहीं होते हैं। DF-Engage का आउटपुट जब आप करते हो तो आपको ये DF-Engage में आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप माउंट करोगे किसी एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल ड्राइव को, तो वो आपको ड्राइव वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको लॉजिकल वीएम कहा जाता है, इसको वर्चुअल वीएम नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको वर्चुअल वीएम बोलता तो मुझे फिर टॉप के अंदर मुझे पूरा सीपीयू दिखता जितना मुझे असाइन किया गया है, free-g के अंदर मुझे रैम दिखता जितना रैम मुझे दिया गया है, राइट? बट यहाँ पे मुझे कुछ भी पूरा नहीं दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कमांड नहीं चलेगी, कमांड चलेगी, बट वो आउटपुट रिलायबल नहीं होगा, और आपको उस आउटपुट पे फोकस भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप कंटेनर के अंदर हो, तो कंटेनर के अंदर इन इन आउटपुट्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हम और क्लियर करेंगे। अभी हम ना कंटेनर पे कि मतलब क्यूबरनेटिस पे जाएंगे तो हम और अच्छी तरह इसको देखेंगे। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, ग्लोबल रेपोजिटरी से पुल करके लोकल रेपोजिटरी बनाता है, और आप अपनी खुद की भी कंटेनर इमेज आपके पास अगर है तो आप उस ऑफलाइन रेपोजिटरी के अंदर, लोकल रेपोजिटरी के अंदर उसे आप डाल सकते हो, और आप सिंपली लिखते हो डॉकर रन। जब आप लिखते हो डॉकर रन कंटेनर का नाम और सोर्स इमेज फाइल, आपका डायरेक्टली एक डॉकर चल जाता है, उस डॉकर में आप लॉगिन करते हो। आपको लॉगिन करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपके पास कोई आईपी नहीं होती है, राइट? आपके पास आईपी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको कैसे लॉगिन करना होगा, उसमें डॉकर के अंदर ये कमांड होती है इसके टूल्स में, जो डॉकर के आपका कंटेनर के अंदर ले जाता है। वहां आप अंदर जाओगे, वहां जाके आपको एक लगेगा कि मैं एक वीएम के अंदर हूँ, आपको लगेगा कि आप वीएम के अंदर हो, बट एक्चुअली वो वीएम नहीं है, वो कंटेनर होता है। तो एक यूजर को ना विजुअलाइज जब वो करता है तो वो मान के चलता है कि वो वीएम के अंदर है। तो आप कंटेनर को ये समझो कि ये एक सर्वर है, एक लॉजिकल सर्वर है, जो एक्चुअली में सर्वर नहीं है, बट जब यूजर उसमें घुसता है तो उसको लगता है कि वो एक सर्वर के अंदर है। ठीक है, तो एक विजुअलाइजेशन है। अभी इसको हम और ज्यादा डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट की स्लाइड्स में, ठीक है, और जब हम बात करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो थोड़ी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि डॉकर क्या है, डॉकर इंजन के बारे में। डॉकर इंजन एक ओपन सोर्स कंटेनर प्लेटफॉर्म है। इसका जो ये पहली बात है कि ओपन सोर्स है, इसका कोड ओपन है, जैसे ओपन स्टैक था ऐसे ये भी ओपन है। आप पढ़ सकते हो, आप कोड इसका ले सकते हो, आप इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कंटेनर प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म है जो कंटेनर ऑफर करता है यूजर को, कंटेनर एज अ सर्विस, राइट? कल हमने एक वर्ड यूज किया था कंटेनर एज अ सर्विस, साथ के साथ मैंने बोला था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और मैंने साथ में ये भी बोला था कि ये दोनों मिलते जुलते वर्ड है, एक्चुअली वर्ड प्ले है। मैं आप थोड़ा और क्लियर भी करूंगा आगे की दूसरी तीसरी स्लाइड में, मैं आपको इस चीज को और अच्छी तरह क्लियर करूंगा। डॉकर यूज करता है कंटेनर्स को, कहाँ करता है? होस्ट ओएस के ऊपर रन करने के लिए। तो डॉकर इंजन एक्चुअली में क्या करता है, डॉकर इंजन अगर आप ध्यान से समझो तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डिवाइड कर देता है, बेसिकली उसके टॉप पे एक लॉजिकल ओएस बना देता है, लॉजिकल ओएस। उस लॉजिकल ओएस के ऊपर आपका एक कंटेनर चलता है, मतलब कि जो कंटेनर है उसको लगता है कि वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है। अब आपने बोला RHEL 7, जबकि आपका जो ओपन जो आपके जो एक्चुअल जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज CentOS 8। फॉर एग्जाम्पल, आपने CentOS 8 के ऊपर आपने अपना डॉकर इंस्टॉल किया हुआ, डॉकर इंजिन। अब आपने कंटेनर बनाया, दैट इज RHEL 7.4।
अब जो ये कंटेनर है इसको लगेगा कि ये रेल 7.4 के ऊपर इंस्टॉल्ड है, बट एक्चुअली में रेल 7.4 कहीं भी नहीं है, क्योंकि नीचे तो जो आप अगर होस्ट देखोगे वो कोई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कंटेनर जब भी रन करता है ना, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जब तक वो जिंदा रहता है, उसको ऐसा लगेगा कि वो एक रेल 7.4 के ऊपर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप जो 5 लेयर्स है ना उनको अपने माइंड में अच्छी तरह याद रखो। आपका सारा जो मतलब नॉलेज है या जो भी है, जो एडवांसमेंट हो रही है ना टेक्नोलॉजी की, इन्हीं 5 लेयर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, और हमें इन 5 लेयर को एक विजुअलाइज करना चाहिए कि क्या मेरी 5ों लेयर यहाँ पे फिट हो रही है। अगर हो रही है तो फिर ये टेक्नोलॉजी में सही पढ़ रहा हूँ, अगर मैं नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो कंटेनर है, अब ये जो टॉप पे कंटेनर है, ये कंटेनर क्या समझता है, ये एज्यूम करके चलता है कि इसके नीचे रेल 7.4 डला हुआ है। इसको नहीं पता कि एक्चुअली में कैसे हुआ है। ये काम करता है ये डॉकर इंजन। तो ये इस ओएस को जब यहाँ पे हम कोई भी इमेज डालते हैं, कंटेनर इमेज रेल 7.4 की, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि आप ओएस का वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो। अब मैं आपके सामने एक टर्म यूज कर रहा हूँ, ओएस वर्चुअलाइजेशन। इस टर्म को मैं आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ इसी स्लाइड के अंदर। कैसे, पहले मैं थोड़ा ये राइटअप पढ़ लेता हूँ जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसको भी पढ़ना जरूरी है, ये भी थोड़ा मेहनत से हमने पॉइंट्स उठाए हैं। क्या कहता है कि डॉकर जो होता है वो किस पे चलता है, लाइनक्स कर्नल के, जो हमारा होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब दिस लेयर, इसके लाइनक्स के कर्नल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लाइनक्स आपको पता ही है कि लाइनक्स का कर्नल होता है अपना, उस कर्नल को ये इफेक्टिवली यूज करता है, और इफेक्टिवली यूज करके उस ओएस के ऊपर कंटेनर्स रन करता है। डॉकर जो है वो प्योरली गो लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, जैसे सी होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, ऐसी ये भी एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज डेवलप किया था गूगल ने, गूगल ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया, और डॉकर ने इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा डॉकर इंजन बनाया है। ठीक है, तो अगर आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आती है कि यार ये एक्चुअली ओएस जो है वो कंटेनर में कन्वर्ट कैसे होता है, तो इसके लिए आपको फिर गो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। डॉकर का आप कोड उठा सकते हो, और उस कोड को पढ़ के आपको गो लैंग्वेज में होगा, आप समझ सकते हो कि एक्चुअली में ये कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, देन क्या कहते हैं कि डॉकर जो है सबसे पहले रिलीज हुआ था मार्च 2013 में। ठीक है, अब आप याद करो, ओपन स्टैक रिलीज हुआ था 2010 में। ओपन स्टैक इज अ टेक्नोलॉजी जो वर्चुअलाइजेशन करता है हार्डवेयर का। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज कर रहा है। दो अलग अलग टर्म्स आपके सामने मैं यूज कर रहा हूँ। कंटेनर इज ए एडवांस्ड लेवल ऑफ ओएस वर्चुअलाइजेशन। ओएस वर्चुअलाइजेशन मतलब कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, लेकिन जो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा उसको, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कर्नल, इसीलिए आप याद करो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कर्नल लाइनक्स का कर्नल होना बहुत जरूरी है। तो आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ डल रहा है, ये लाइनक्स के कर्नल पे होता है, और इस लाइनक्स के कर्नल के ऊपर आप कोई भी लाइनक्स का फ्लेवर चला सकते हो। तो इसका मतलब है कि कर्नल सेम होगा, जो ऊपर भी होगा उसका भी कर्नल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस कर्नल को वर्चुअलाइज किया गया है। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं कि इन कंपैरिजन टू हाइपरवाइजर, जो कि हम बात करें कि 2010 में ओपन स्टैक आया। ठीक है, उसके पैरेलल में आपका क्या कहते हैं, ये जो हमारी अमेजोन है, अमेजोन अपना AWS का वर्चुअलाइजेशन कर रहा था, क्लाउड कॉन्सेप्ट लेके आया था, जो ये कहते हैं दोनों का काम सेम है। वर्चुअलाइजेशन डॉकर इंजन कर रहा है या कंटेनर कर रहा है? नहीं, डॉकर इंजन वर्चुअलाइजेशन करता है, और कंटेनर उसका आउटकम होता है, आउटपुट होता है। तो डॉकर इंजन करता है, ट्रांसलेट करता है, आपके ओएस को कन्वर्ट करता है कंटेनर में। तो कंटेनर आपका आउटपुट है, ओएस आपका इनपुट है, और डॉकर बीच में एक कन्वर्टर है, इंजन है, जो इस काम को करके दे रहा है। ठीक है, तो क्या उस टाइम पे चल रहा था कि AWS और ओपन स्टैक, ठीक है, ये दो बड़े मेजर क्लाउड के आप कह सकते हो कि प्रोवाइडर्स, ओपन स्टैक प्रोवाइडर नहीं है, बेसिकली आर्किटेक्चर है, और आपका AWS जो है वो अमेजोन का अपना प्रोडक्ट है। तो ये दोनों के दोनों जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनका फोकस किस पे था कि यार हार्डवेयर को हम वर्चुअलाइज करें, कहां कैसे हम एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल हार्डवेयर बना सकें। दैट मींस कि एक सर्वर को फिजिकल सर्वर को कन्वर्ट कर सकें वर्चुअल सर्वर में, मींस फिजिकल मशीन को वर्चुअल मशीन बनाया जा सके। दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन ऑफ योर हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब सीपीयू, रैम, स्टोरेज, इन सबको, नेटवर्क को, इनको वर्चुअल करने का। पर उसके साथ ही पैरेलल में एक और कंपनी काम कर रही थी जिसका नाम था डॉकर, जो कि अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी। उनका क्या कहना था कि हम
ओएस को वर्चुअलाइज करेंगे। ओएस को वर्चुअलाइज करेंगे मतलब कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम ऐसा बना देंगे कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सके। अब आज की डेट में आप मुझे कह सकते हो कि यार ये तो मैं क्या कहते हैं, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाल दूंगा, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के ऊपर मैं एक वीएम क्रिएट कर दूंगा, तो विंडोज के ऊपर मेरा एक लिनक्स चल गया। दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन। वो ओएस के ऊपर वर्चुअलाइजेशन नहीं है, वो हाइपर लेवल का हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन है। ओएस वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये कि मेरा ओएस चलता रहे, जिसको कि मैं बोलता हूँ होस्ट ओएस। उस होस्ट ओएस के ऊपर मैं कोई भी वर्चुअल एक ओएस चला सकता हूँ, मतलब OS 1, OS 2, OS 3, OS 4, लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड एज ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। तो डॉकर इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि प्लेटफॉर्म बनाऊंगा मैं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने आप को एक लॉजिकली एक मान के चलो, आप एज्यूम करो आप वो पांचों लेयर को कंप्लीट मानो, कि अगर आप एक कंटेनर के अंदर हो तो आप ये मान के चलो कि आपका जो पांच जो लेयर्स हैं स्टैक के अंदर, लेयर्स हैं वो पांचों लेयर आपकी पूरी हो रही है, मतलब कि इसके लिए पांचों लेयर हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो इसके नीचे कोई ओएस है ही नहीं, ये सिर्फ एक लॉजिकली एजम्पशन पे चलता है, ठीक है। ये मतलब कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स हैं, मतलब आपको लगेगा यार ये कॉन्सेप्चुअली बातें हो रही हैं, बट एक्चुअली में ये टेक्निकली इम्प्लीमेंटेड है और हम आज इस टॉकर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में होता है। अब हम बात करते हैं कि कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो कल पॉइंट रेज किया था किसी ने, ये बोला था कि यार ये जो होस्ट जो ये डॉकर इंजन है, अगर ये तो ठीक है, एक एक हार्डवेयर पे हमने एक वर्चुअल मतलब एक होस्ट के ऊपर हमने क्या कहते हैं ओएस डाला, उसके ऊपर हमने डॉकर डाला, ठीक है, डॉकर के ऊपर हमने 3 या 4 या 5 कंटेनर चलाए, पर एक और मैंने होस्ट बनाया, साथ में मैंने एक और फिजिकल सर्वर बिल्ड किया, उसके ऊपर भी मैंने डॉकर डाला, वहां भी मैंने कंटेनर्स चलाए, पर क्या वो आपस में बात कर सकते हैं? बात इन द सेंस कि क्या वो माइग्रेट कर सकते हैं कंटेनर्स? अगर मान लो मेरा फिजिकल होस्ट गया, तो उस केस में क्या ऐसा ऑप्शन है कि मेरे कंटेनर्स वहां से उठ के दूसरे नोड पे चले जाएं? तो ईच नोड जो डॉकर के अंदर, ठीक है, डॉकर इंजन के कॉन्सेप्ट में हर नोड इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मीन्स आइसोलेटेड। नोड 1, नोड 2, नोड 3, आपके सामने 3 नोड है फिजिकल नोड्स, जिनके ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं ओएस डला हुआ है और डॉकर इंजन डला हुआ है। इन तीनों के ऊपर कंटेनर्स चल रहे हैं, ठीक है, पहले पे 3, दूसरे पे 3, तीसरे पे 3। अब मान लो कि कुछ इश्यू होता है, पहला नोड डाउन हो गया, तो मेरी जो कंटेनर्स हैं वो माइग्रेट नहीं होंगे सेकेंड नोड पे या थर्ड नोड पे। ऐसे ही कोई 2 या 3 डाउन होता है तो उसके कंटेनर्स माइग्रेट नहीं होंगे किसी भी एक नोड पे। तो दैट मीन्स कि इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर, अगर एक भी होस्ट गया तो उस होस्ट के ऊपर जितने कंटेनर चल रहे हैं वो सारे के सारे गए। तो दिस मीन्स कि आपका जो डॉकर इंजन है वो अनफिट है प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार, हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया, हम इतने आगे आ गए, डॉकर कंपनी ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, हम 2021 में इसको पढ़ भी रहे हैं, बट ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि कोई भी कस्टमर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक एक हार्डवेयर के ऊपर आप इतने सारे कंटेनर्स, ठीक है चला लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जब जाएंगे, अगर वो फिजिकल होस्ट गया तो दैट मीन्स कि मेरा तो सब कुछ बंद हो गया, आउटेज, दैट मीन्स दिस इज आउटेज। तो डॉकर इंजन के साथ अगर आप एक सोल्यूशन बनाते हो, सिर्फ बोलते हो कि मैं डॉकर इंजन इस तरीके का डायग्राम अगर आप कोई डिजाइन करते हो नोड, तो आपका सोल्यूशन बहुत ही खराब होगा और कोई भी कस्टमर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सारी पढ़ाई लिखाई वेस्ट हो गई। तो अब क्या हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं, ठीक है, अब मुझे नहीं पता ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 3 नोड रखूं और मेरा जो कंटेनर है वो 1 से 2 पे चला जाए, 2 से 3 पे चला जाए, या 3 से 1 2 कहीं भी माइग्रेट करता रहे। क्यों माइग्रेट क्यों करे? क्योंकि पावर आउटेज हो सकती है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, ओएस क्रैश कर सकता है, किसी भी मेजर इश्यू के आउटेज की केसेस में मेरी कंटेनर को लगे कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है या कुछ इश्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली उठ के दूसरे नोड पे चला जाए। एक और प्रॉब्लम जो तीसरी इश्यू मैं बताता हूँ, मतलब क्रैश वगैरह ये सब तो पावर आउटेज ठीक है, एक मेजर क्राइटेरिया पता है क्या होता है? फिजिकल होस्ट लिमिटेशन। कि आपने एक मान लो कि 300 400 GB की रैम का 396 मैक्सिमम रैम आती है किसी भी सर्वर के अंदर, मतलब जहां तक मैंने देखा है, मतलब मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 396 GB रैम मैंने मैक्सिमम देखा है सर्वर के अंदर। तो 396 GB रैम के ऊपर मान लो आप 50 100 कंटेनर्स चला रहे हो, ठीक है, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत, ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है।
अब उसके ऊपर आपने मान लो 500 कंटेनर चल रहे हैं या 1000 कंटेनर चल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद मैंने आपको बोला था ना कि क्या कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप 1000 कंटेनर्स रन करो, लेकिन वो कंटेनर्स जब रिसोर्सेस की डिमांड करेंगे तो उनको रिसोर्सेस नहीं मिलेगी, दैट मीन्स कि वो कंटेनर्स काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक केस ऐसा आएगा कि एक हार्डवेयर जो है वो लिमिट हो जाएगा, तो आपको हो सकता है कि किसी और नोड पे जाना पड़े। पर ये जो जाना पड़े ना, ये वाला पॉइंट होता है, इसको एक्चुअली ऑर्केस्ट्रेशन कहा जाता है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। तो पॉइंट ये है कि क्या ये पॉसिबल है, सवाल ये है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी कि यार ऐसे तो अगर हम डॉकर इंजन लेके गए तो कोई भी कस्टमर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस सोल्यूशन को क्लियरली रिजेक्ट कर देगा कि नहीं भाई, आप चाहे कितना भी बढ़िया आप डिजाइन बना लो, आपने ओएस को कितना भी परफेक्टली ट्यून कर दिया हो, आप 100% सीपीयू यूटिलाइज करो, आप उस पे 500 कंटेनर रन करो, बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस सॉल्यूशन इन प्रोडक्शन। तो इसके ऊपर अब बात की जा रही थी। अब मैं थोड़ा ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड क्या होता है यार? ऑर्केस्ट्रेशन ना एक वर्ड है, मतलब इंग्लिश में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बना के दिया हुआ है, इसका एग्जांपल भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं ना आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा। छोटा एग्जांपल जैसे कि मान लो कि हम लेके चलते हैं कि एक हमारा कॉलेज में डायरेक्टर होता है, ठीक है? डायरेक्टर कभी भी पढ़ाता नहीं है स्टूडेंट्स को। इस कॉलेज में कौन कौन होता है? स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स मतलब स्टाफ, प्रोफेसर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, ठीक है, और बोर्ड होता है जो भी, उस एक उसमें होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर एक ऐसा प्राणी होता है जो एक्चुअली कुछ नहीं करता है, करने का मतलब वो कुछ ना तो किसी को पढ़ाता है, ना तो वो क्लासरूम साफ करता है, ना तो वो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, वो कुछ भी नहीं करता है। तो वो करता क्या है? उसका काम होता है लोगों को गाइड करना, डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देना मतलब वो बोलेगा कि मुझे अपने कॉलेज को और बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के एग्जाम्स में जो है नई टेक्नोलॉजी ऐड होए, मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉलेज जो है एक और दूसरी जगह बने, कैंपस बने, हम नया टेक्नोलॉजी ऐड करें, नया कोर्स ऐड करें। मतलब ये कि वो ना हाई लेवल पे गाइड करता है लोगों को, बताता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मतलब वो सिर्फ एक डायरेक्शन देता है। जैसे कि आप एक चौराहे पे जाते हो, ठीक है, चार तरफ से ट्रैफिक आते हैं, वहां पे हवलदार खड़ा होता है ट्रैफिक वाला, वो क्या करता है? वो गाड़ी थोड़ी चलाता है, ना ही वो क्या कहते हैं कहीं जाता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है, वो सिर्फ गाइड करता है कि तुम रुक जाओ, इस तरफ से ट्रैफिक जा लेने दो, फिर उसके बाद बोलता है तुम रुको और तुम जाओ। तो दैट मीन्स कि एक ऐसा बंदा, मतलब ह्यूमन टर्म्स में, एग्जाम्पल के टर्म्स में बोल रहा हूँ, एक ऐसा बंदा जो लोगों को गाइड करे, यहाँ जाओ, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसका वो खुद कुछ नहीं करेगा, सिर्फ गाइड करता है। तो इसी को ऑर्केस्ट्रेशन कहा जाता है। तो एक ऐसा टूल या एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा इंसान जो गाइड करे, जो कंटेनर्स को बताए कि ठीक है, या आप इस होस्ट पे जाके लॉन्च हो जाओ, या इस होस्ट में इश्यू है, ठीक है, एक काम करो, आप उस वाले होस्ट पे जाके लॉन्च हो जाओ। तो दैट मींस कि वो सिर्फ गाइड करता है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ये मैंने आपको वर्ड का मीनिंग बताया, ठीक है? अब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी ये प्रॉब्लम पे हम वापस आते हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हमारा एक सिंगल होस्ट जो है वो फेलियर के केस में सारी कंटेनर्स फेल हो जाएंगे। तो कंटेनर्स को कोई बताए कि यार तुम एक काम करो, यहाँ से उठ के, ठीक है, ये होस्ट फेल हो गया, नो प्रॉब्लम, सारा का सारा उठ के कहीं और चले जाओ, वो देखेगा अच्छा कहाँ पे किस होस्ट, कौन सा होस्ट खाली है, वो बताएगा तुम उस होस्ट पे चले जाओ, वहां पे सब कुछ खाली है। तो दैट इज कॉल्ड एज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इज इट पॉसिबल, क्या कोई इसका मतलब, क्या कोई सोल्यूशन दिया इंडस्ट्री में किसी ने? तो इंडस्ट्री में क्या आंसर है, कुछ कहना चाहते? ओके, तो इस सवाल का आंसर जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिया है, ठीक है? बड़ी कंपनियां क्यों? डॉकर जो कि खुद जिसने एक इंजन बनाया, ठीक है, इंजन बनाया, प्रॉब्लम भी आई, उस प्रॉब्लम का उसने आंसर भी दिया है। उसने कहा कि हाँ, इट इज पॉसिबल। आप, मैंने ही एक और नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है डॉकर स्वार्म। आप डॉकर स्वार्म लो, उसके अंदर आप डॉकर कंटेनर चलाओ, और जब भी कोई इश्यू आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली कंटेनर माइग्रेट हो जाएगा दूसरे होस्ट पे। तो ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, राइट? सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है। डॉकर ने ही एक सोल्यूशन दिया इंजन का, डॉकर, उनको प्रॉब्लम भी आई, उन्होंने उसका आंसर भी दिया, दैट इज फ्रॉम डॉकर। अब इसके साथ साथ अमेजोन है, अमेजोन ने कहा कि हाँ, हम भी इस पे काम कर रहे हैं, हमने भी एक ऐसा ही ऑर्केस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको बोलते हैं ECS, ठीक है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ऐसी कुछ होता है, मतलब देख लेना अगर मैंने गलत बोल दिया हो।
अमेजोन, क्योंकि ये जो डॉकर ने जो इंजन बनाया ना, ये ओपन सोर्स है, आप याद रखो ओपन सोर्स है, तो इस पे सिर्फ डॉकर का अकेले का हक नहीं है। डॉकर ने जिस दिन इसको ओपन सोर्स डिक्लेयर किया है, दैट मींस कि इस पे कोई भी कंपनी काम कर सकती है लीगली, और उसको बेस्ड वो अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं डेवलपमेंट में, उसको कॉमर्शियली यूज भी कर सकते हैं। अमेजोन ने बोला कि हमने ECS बनाया है, अमेजोन ने। गूगल ने कहा कि आप सब लोग एक साइड हटो, इसके ऊपर मैंने सबसे अच्छा काम किया हुआ है, और उसने बोला मैंने बनाया है क्यूबरनेटिस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में K8S कहते हैं। K8S एक का शॉर्ट फॉर्म है। K8S क्यों डाला इसका नाम मैं बताता हूँ, क्योंकि क्यूबरनेटिस ना बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब इसके कैरेक्टर्स आप गिनोगे ना तो अराउंड 10 कैरेक्टर्स हैं। इतना बड़ा नाम ना लिखने में बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए कंपनी ने थोड़ा फैशनेबल बनाने के लिए क्या किया, कंपनी ने बोला कि इसको हम बोलते हैं K8S। एट का मतलब होता है कैरेक्टर, तो K और S फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, और बीच में जो 8 कैरेक्टर्स हैं उसी लिए इन्होंने इसका नाम दे दिया K8S, क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो कि गूगल ने बनाया है। काफी सालों तक गूगल ने इसके ऊपर काम किया है, काम करके इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है, डेवलप करके इसको यूज किया कॉमर्शियली। गूगल के सारे प्रोडक्ट्स जो है, ज्यादातर जो उसके सर्च इंजन्स हैं, वो क्यूबरनेटिस पे चलते हैं। तो आप समझो कि आप अगर गूगल टाइप करते हो, google.com, ठीक है, तो डेट मीन्स कि वो क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर पे चलते हैं। इसके साथ ही पैरेलली एक और लीडर कंपनी है जिसका नाम है रेड हैट। रेड हैट भी बहुत लीडरशिप कंपनी है। इनका ये मानना है कि अगर इंडस्ट्री में कुछ भी ऑटोमेशन, इनोवेशन, कुछ भी होता है ना एडवांसमेंट, तो हम उसका पार्ट होंगे ही होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि इंडस्ट्री में कोई नई टेक्नोलॉजी आए और रेड हैट उसका पार्ट ना हो। रेड हैट उसका प्रोएक्टिव मेंबर होता है। तो रेड हैट ने बोला कि हमने भी गूगल के साथ मिलके उसके ही प्रोडक्ट को क्यूबरनेटिस के ऊपर काम किया है, और उन्होंने भी अपना एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है रेड हैट ओपन शिफ्ट। रेड हैट ने ओपन स्टैक बनाया, रेड हैट ने ओपन शिफ्ट बनाया है। तो रेड हैट हमेशा नए टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में सबसे आगे रहता है, कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्रीब्यूट भी करता है और उसके साथ अपने प्रोडक्ट बनाता जैसे अब ये जो टूल है डॉकर फॉन अमेज़न ईसीएस क्यूबरनेटिक ओपन सोर्स, ये तो बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए है, बेसिकली कि कौन सा कंटेनर कहाँ डलेगा। बट क्या इन कंपनी ने अपना खुद का डॉकर इंजन टाइप भी बनाया सॉफ्टवेयर जो बेसिकली इन्होंने, हाँ देखो इन्होंने क्या किया ना, डॉकर इंजन नहीं बनाया, इन्होंने डॉकर इंजन को ही कॉपी किया है, कॉपी इन द सेंस उसको ही रियूज किया है। क्योंकि अगर ओपन सोर्स एक ऑलरेडी डेवलप्ड है मार्केट में, तो कोई भी कंपनी उसको दोबारा से स्क्रैच से क्यों डेवलप करेगी, जबकि वो ओपन सोर्स है, उसको रियूज कर सकती है कॉमर्शियली, राइट। मैंने इसलिए बोला आपको कि जब डॉकर ने इंजन बनाया तो डॉकर ने बोला कि ये इंजन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स बनने का मतलब ये है कि लीगली कोई भी उसके ऊपर काम कर सकता है और अपने प्रोडक्ट बना के बेच सकता है मार्केट में। तो तो उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया है जैसे हम ये डॉकर इंजन में सुनते हैं डॉकर कंपनी ने बनाया, तो इसलिए डॉकर इंजन बोल देते हैं। नहीं, तो डॉकर इंजन को ही यूज किया है क्यूबरनेटिस ने, गूगल ने भी। अच्छा तो गूगल के क्यूबरनेटिस के अंदर डॉकर का इंजन चलता है, इसीलिए मैंने आपको डॉकर पढ़ाया। तो अब आप समझो कि मैंने आपको डॉकर इंजन के ऊपर क्यों एक्स्ट्रा टाइम दिया है, क्योंकि डॉकर इंजन ही फिट करता है क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर के अंदर। क्यूबरनेटिस आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है जो कि डॉकर इंजन में फेस हुआ था, बट वो डॉकर इंजन को दोबारा से डेवलप नहीं करते, या उन्होंने उसको लेबल करके अपना नाम नहीं दिया, वो उसको डॉकर इंजन ही बोलते हैं। आप अगर क्यूबरनेटिस के ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में भी देखोगे या किसी भी प्रोडक्ट, इन चारों प्रोडक्ट्स के देखोगे ना, तो वो लोग क्लियरली लिखते हैं ये डॉकर रन कराता है, डॉकर कंटेनर रन कराता है। तो डॉकर कंटेनर आपको क्यूबरनेटिस के अंदर मिलता है। क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर भी एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है आज की डेट में। तो क्यूबरनेटिस के ऊपर बेस्ड भी जो प्रोडक्ट्स जो कंपनीज लॉन्च करती हैं, जैसे रेड हैट ओपन शिफ्ट हो गया, ऐसे ही आपने मान लो एरिक्सन ने बनाया होगा, नोकिया ने बनाया होगा, वीएमवेयर ने बनाया होगा, हर कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाया होगा क्यूबरनेटिस के ऊपर। तो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया दैट इज क्यूबरनेटिस बेस्ड। बस उस क्यूबरनेटिस के अंदर क्या है, उसके अंदर है आपका डॉकर इंजन। तो आप समझो दो ओपन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हेलो। हेलो, हाँ हाय कृष्ण, मुझे ये पूछना था, मतलब कि बेसिकली ये जो डॉकर इंजन है उसको क्यूबरनेटिस ने मॉडिफाइड करके, आई मीन उसका ऑर्केस्ट्रेशन किया है, राइट? डॉकर के इंजन को मॉडिफाई नहीं किया, उसको ऑर्केस्ट्रेट किया है। मतलब ये कि जो उसका जो
ओरिजिनल कोड है वो एज इट इज है. आप देखो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी ना कि एक नोड से दूसरे नोड पे माइग्रेट नहीं हो सकता था. तो इस माइग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए क्यूबरनेटिस ने अपना एक आर्किटेक्चर डेवलप किया है. वो बेसिकली क्या कहते हैं कि हमने ऐसे टूल्स बनाए हैं जो इंजन इस कंटेनर को माइग्रेट करा सकते हैं दूसरे नोड के ऊपर. तो जो इंजन है, कंटेनर है, वो टेक्नोलॉजी स्टिल सेम है, वो कभी किसी ने टच नहीं किया, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं किया किसी ने. तो फिर इन्होंने ऐसा क्या किया, मतलब कि माइग्रेशन पॉसिबल है, आई मीन कैसे माइग्रेशन पॉसिबल हुआ? हाँ, ये चीज हमें पढ़नी है कि कैसे पॉसिबल हुआ. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ठीक है, डॉकर के इंजन की लिमिटेशन ये है कि वो दूसरी नोड से बात नहीं कर सकता. वो दूसरी नोड से अगर बात नहीं कर सकता, कोई ऐसा क्लस्टर नहीं है बेसिकली बोला जाएगा टेक्निकली, तो कोई क्लस्टर नहीं है इनके बीच में जो इनको कम्युनिकेट कराता हो दूसरी नोड से. और एक साथ में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है, जैसे हमने ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है, तो कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो इनको बता सके इन कंटेनर्स को कि अब आप यहाँ से उठ के यहाँ चले जाओ या आप किसी और नोड पे चले जाओ. तो ये जो चीजें थी ना, ये टेक्निकली मिस थी. मिस का मतलब कि ऐसा नहीं कि उन्होंने डाला नहीं था, मिस का मतलब ये कि जब उन्होंने ये डिजाइन किया था इंजन, तब उन्होंने इस चीज को फोकस नहीं किया था. उनका फोकस था कि हम एक हार्डवेयर को, एक सिंगल हार्डवेयर को कितना बेस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं. इसी के लिए डॉकर ने ही डॉकर स्वॉर्म ऑफर किया है कि डॉकर स्वॉर्म भी ऑर्केस्ट्रेशन करता है. बट पैरेलली गूगल ने जो ऑर्केस्ट्रेशन ऑफर किया है, तो गूगल का जो क्यूबरनेटिस है वो इन सब के, डॉकर स्वयं, अमेजोन ईसीएस, इन सब में सबसे बेस्ट है. इसीलिए हम क्यूबरनेटिस को पढ़ते हैं. और इंडस्ट्री में सारी जो कंपनीज हैं वो क्यूबरनेटिस को ही फॉलो करती हैं, क्योंकि इन सब में बेस्ट है. और ये ओपन है, पहले ये ओपन नहीं था. पहले गूगल ने इसको पहले अपने पास रखा, कई सालों तक इस पे काम किया, अपने लाइव प्रोडक्ट्स को उसने उसके ऊपर रन किया. जब वो टेस्टेड हो गया कि यस दिस टेक्नोलॉजी इज वर्किंग फाइन और ये बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है, उन्होंने पूरा अच्छा इस्तेमाल किया, देन दे सेड कि हम इसे कम्युनिटी को ऑफर करेंगे और पूरी दुनिया जो है इसका इस्तेमाल कर सके, मार्केट और भी कंपनी यूज कर पाए. तो लेवन में ये कह सकते हैं जो काम ओपन स्टैक में कंट्रोलर करता है वो यहाँ पर ये क्यूबरनेटिक्स करता है. यस एग्जैक्टली, ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस एक या दो स्लाइड के बाद ये चीज मैं दिखाने वाला हूँ. मतलब हम धीरे धीरे क्वेश्चन सस्पेंस को ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, अभी मान लो अगर मैं आपको डे वन में पूरा क्यूबरनेटिक्स का आर्किटेक्चर दिखा देता ना, तो आप बोलते यार ये क्या सेशन है, मुझे तो पता ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है. तो मैं ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ आपके साथ. तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर ही बात हो रही है. ठीक है, कि क्यूबरनेटिस क्या है. अब इस प्रोजेक्ट को हम पढ़ लेते हैं. क्यूबरनेटिस गूगल का एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं. अब नहीं है, मतलब अब नहीं है, अब तो मतलब ओरिजिनल ऑथर था गूगल, बट अभी नहीं है. क्यूबरनेटिस को हम बोलते हैं K8S, मैंने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि यार इतना लंबा नाम ना, मतलब बोलने में या लिखने में वो होता है, तो K8S या क्यूब बोलते हैं. ये साइड में आप देख रहे हो एक सिंबल है. ये सिंबल बेसिकली आपने अगर कभी देखा हो ना किसी शिप वगैरह में, तो ये सिंबल आपको दिखाई देता है. जैसे हमारी गाड़ी में स्टेयरिंग होते हैं ना, ऐसे ही शिप पे एक स्टेयरिंग होती है. इसको अगर आप स्टेयरिंग को घुमाते हो तो आपकी जो शिप है वो इधर से उधर मूव होती है. तो जो हमारा कैप्टन होता है वो ऑर्डर देता है कि भाई इस शिप को घुमाया जाए इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में. तो ये बेसिकली ये ऑर्केस्ट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये बता रहा है कि ये, मतलब इसका कुछ है, इसका हिडन मीनिंग भी है कि ओरिजिनल जो डेवलपर्स थे उनके कुछ 7 मेंबर्स या कुछ, मतलब है कॉन्सेप्ट, इतना मुझे भी नहीं आइडिया है. पर इतना हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म. ओपन सोर्स और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो. ऑर्केस्ट्रेट का मतलब ये है कि आप कंटेनर्स को माइग्रेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो. कंटेनर्स को आप फ्रीली कहीं भी रन करा सकते हो. आप अब आप होस्ट जो रेस्ट्रिक्शन थी ना, जो इंजन के साथ थी, वो रेस्ट्रिक्शन को आपने ब्रेक कर दिया है. कैसे किया है वो हम आगे देखते हैं. और क्या करता है, ऑटोमेट करता है डिप्लॉयमेंट को. मतलब ये कि अगर आज की डेट में मान लो कि मेरे को एक वीएम बनाना है, अगर मैं ओपन स्टैक पर काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ओपन स्टैक, AWS या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है, तो वहां आप क्या करते हो, एक वीएम बनाते हो. वीएम बनाने के लिए आप क्या करते हो, सारे टेम्पलेट्स फिल करते हो, स्टोरेज सिलेक्ट करते हो, इमेज वगैरह, सारी नेटवर्किंग सब चीजें आप करते हो. उसके बाद जाके आपकी एक वीएम बनती है. फिर आप उसके अंदर अपना एप्लीकेशन डालते हो. एप्लीकेशन के लिए भी आपको स्टेप्स करने पड़ते हैं. फिर
ये जो सारे जो स्टेप्स हैं ये सारे मैनुअल होते हैं। इसको ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे सर्वर्स आते हैं, जैसे आप एंसिबल प्लेबुक यूज कर सकते हो, AWS भी बहुत सारे टूल्स ऑफर करता है, ओपन स्टैक भी ऑफर करता है ऑर्केस्ट्रेशन, जो ये कहता है कि आप ये सारे काम खुद ना करके किसी और थर्ड पार्टी सर्वर बना लो। मान लो आप एक थर्ड पार्टी सर्वर को आप इंटीग्रेट कर दो और उसके बाद स्टैक बना लो आप, उस स्टैक के थ्रू, स्टैक मतलब एक ब्रिज समझ लो ब्रिज टाइप का, और उसके थ्रू आप उसको कमांड ऑफ दे सकते हो। तो आप जैसे जैसे कमांड दोगे वो प्लेटफॉर्म वैसे वैसे आपका वीएम बना देगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक। तो यही सेम प्रिंसिपल यहाँ भी एप्लीकेबल है। जो कंटेनर आपको रन करना है, आप मान लो कंटेनर की इमेज अपलोड करोगे, देन सम कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सीक्वेंस डिफाइन करोगे, कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स बनाओगे, तो वो सारी चीजें आप उसको, उसके बाद फिर आपका कंटेनर डिप्लॉय होगा। तो ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, ऑटोमेटिक इन द सेंस कि आप जस्ट एक टेम्पलेट फिल करते हो और टेम्पलेट को फिल करने के बाद आप बैठ जाते हो और सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि मान लो आपका कंटेनर चल रहे हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म चल रहा है, कुछ इशू आ गया, मान लो कि कोई कंटेनर डाउन हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऑटोमेट करता है, मतलब ये कि आपको मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली ही कंटेनर डाउन हो जाएगा, कंटेनर अप हो जाएगा, कैसे होगा वो भी हम बात करेंगे। स्केलिंग ऑफ कंटेनर, स्केलिंग का मतलब ये है कि ऑन डिमांड मान लो मेरे पास ट्रैफिक आता है, अब मेरा ट्रैफिक जो है ना वो उसका पैटर्न मान लो कि डायनामिक है, कभी तो ट्रैफिक बढ़ता है कभी घटता है, तो उस टाइम पे मैं अगर मान लो वीएम बनाऊं या सर्वर बनाऊं पुराने जमाने के हिसाब से, तो मैं सर्वर बनाने बैठूंगा तो मुझे तो 1 से 2 महीना लग जाएगा सर्वर बनाने में। वीएम वाले में भी ठीक है, वीएम बन जाएगी, वीएम मान लो ऑटोमेटिक भी बन जाएगी, जैसा AWS भी ऑफर करता है, ओपन स्टैक भी ऑफर करता है, पर वहां पे पॉइंट क्या था कि सीपीयू रैम वगैरह रिसोर्सेज इतनी इफेक्टिवली यूज नहीं होती है। आपने मान लो 20 VM बना दी, 20 VM आपकी 8-8 CPU की चल रही है, बट एक्चुअली वो हर जो VM है वो 8 CPU का भी यूज ही नहीं कर रहा है, वो मुश्किल से 2% 4% यूज कर रहा है। तो उस पॉइंट को यहाँ लेकर हम आते हैं कंटेनर पे, तो कंटेनर की स्केलिंग भी ऑटोमेटिक होती है, जैसे जैसे ट्रैफिक आता जाएगा आपका नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ते जाते हैं। तो मतलब ये कि हर सेकंड जब भी मेरा ट्रैफिक बढ़ा मेरा एक नया नोड तैयार हो गया। तो आप अगर विजुलाइज कर सको कॉन्सेप्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ कि आप सोचो कि एक ऐसी दुनिया है जहां पे जैसे ही सर्वर की जरूरत होती है वैसे ही एक नया सर्वर खड़ा हो जाता है, मतलब ऑन डिमांड। तो दिस इज कॉल्ड स्केलिंग ऑफ कंटेनर। अब क्या होता है, वी कैन क्लस्टर डिफरेंट होस्ट, ये मेन पॉइंट है कि हम डिफरेंट डिफरेंट होस्ट, लिनक्स होस्ट के लिए ही क्यूबरनेटिस चलता है, मैं आपको बता दूं विंडोज के लिए क्यूबरनेटिस नहीं चलता है, जबकि आप डॉकर इंजन एक विंडो मशीन में डाल सकते हो, विंडोज के ऊपर आप डॉकर डाल सकते हो, पर उसके ऊपर आप ऑर्केस्ट्रेशन नहीं कर सकते यूजिंग क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस स्ट्रिक्टली लिनक्स बेस्ड होस्ट के लिए ही होता है। उनको क्या करता है, वो ज्वाइन करके एक क्लस्टर बना देता है। तो मतलब ये कि जैसे मेरा ये नोड वन है, पिछले वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नोड वन नोड टू नोड थ्री अकेले थे, इंडिपेंडेंट थे तीनों, आइसोलेटेड, ये इनको जोड़ देता है क्लस्टर में। अब क्लस्टर में जोड़ने का फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आप कहीं भी किसी भी मेंबर के ऊपर आप अपने कंटेनर को रन कर सकते हो। उसके बाद इसके तो इसमें जो क्लस्टरिंग चलती है वो होस्ट ओएस के ऊपर चलती है ना कि कंटेनर्स के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली, कंटेनर्स के ऊपर कोई क्लस्टरिंग नहीं होती है। जो होस्ट ओएस जो हमने डाला हुआ है इसके ऊपर, इसलिए ये बोलता है कि होस्ट ओएस हमेशा लिनक्स बेस्ड होना चाहिए या कोई भी और भी ओपन सोर्स भी हो, लिनक्स बेस्ड कोई भी ओपन सोर्स हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। मतलब जो होस्ट ओएस हमारा विंडोज का ओएस नहीं हो सकता, ये विंडोज ओएस में ना आप मतलब देखो कंटेनर ये डाल सकते हो, डॉकर इंजन, डॉकर सपोर्ट करता है विंडो को, लेकिन उसका ऑर्केस्ट्रेशन क्यूबरनेटिस के थ्रू नहीं कर सकते। तो मतलब आप लेयर बाय लेयर देखोगे तो विंडोज में ये प्रॉब्लम है, हाँ मतलब ये इश्यूज आते हैं। इंडिपेंडेंटली एक बंदा एक मशीन पे कर सकता है, एक मशीन को उसने होस्ट ओएस में विंडोज डाल दिया, उसके ऊपर डॉकर इंजन भी डाल दिया और उसके ऊपर कंटेनर्स भी चला लिए, तो फिर वो कोई भी चलाए, लिनक्स चलाए, उबंटू चलाए, उसको मुझे कंटेनर्स चलाए, वो कोई भी चलाए, चलाए लिनक्स चलाए, जब उसमें उबंटू चलाए, कुछ भी चलाए, चाहे होस्ट हमारा विंडोज है। बट जब ये प्रॉब्लम थी कि जब हार्डवेयर डाउन हो गया दूसरे पे जाने वाली, वो तभी पॉसिबल है उसका सोल्यूशन जब होस्ट ओएस हमारे लिनक्स बेस्ड हो। और ये सोल्यूशन क्यूबरनेटिस ने दिया है, डॉकर ने भी दिया था बट वो इतना अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली, क्यूबरनेटिस बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जो इसका ऑथर है वो गूगल है, गूगल ने ही इसको बनाया है, ठीक है, इसीलिए इस पे ट्रस्ट भी इंडस्ट्री का है,
ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि गूगल अपने प्रोडक्ट्स को इसके ऊपर चला चुका है। मतलब आपने जो पिछले 5-10 सालों के अंदर गूगल से रिलेटेड कोई भी सर्विस इस्तेमाल की है, तो ऑटोमेटिकली आप क्यूबरनेटिस के ऊपर ही काम कर रहे हो। मतलब आप डिप्लॉय नहीं कर रहे हो ऑब्वियसली, ना डेवलप कर रहे हो, लेकिन आप जैसे google.com लिख रहे हो या आपने कोई भी गूगल की सर्विस यूज कर रहे हो, तो वो ऑटो मतलब वो बाई डिफॉल्ट क्यूबरनेटिस के ऊपर ही चलते हैं। सोचो मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, तभी तो गूगल के सर्वर डाउन नहीं होते। अब नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, वो इतने यूजर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं फिर भी वो हमेशा चलता है, कभी भी डाउन नहीं होता। अब यही प्रॉब्लम पर रेलवे के साथ तो ऐसा नहीं होता, रेलवे का तो सर्वर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेलवे जो है वो क्यूबरनेटिस पे अभी नहीं है, ठीक है। तो लेटर अब क्या हुआ कि जब गूगल ने सब बना दिया, चला भी लिया, अच्छा टेस्ट किया, तो लेटर ऑन गूगल ने बोला कि हम इसको डोनेट करेंगे। डोनेट का मतलब क्या होता है कि अब ये जो प्रोजेक्ट है, अब ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी मेंटेन करेगी। उस कम्युनिटी का नाम है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, CNCF। 2015 में गूगल ने इस प्रोजेक्ट को डोनेट कर दिया था, इस कम्युनिटी को। डोनेट करने का मतलब आप समझो क्या होता है, डोनेट करने का मतलब ये कि अब ये कम्युनिटी इसको डेवलप करती है, इसके जो फ्यूचर जितने भी रिलीजेस आएंगे वो ये कम्युनिटी बना के देगी। अब एक कम्युनिटी और एक कंपनी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब कोई कम्युनिटी किसी टॉप मतलब किसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है तो वो उसको ओपन रखती है, उसका कोड ओपन होता है, आप फ्री होता है, आप कोई भी उसको यूज कर सकता है कॉमर्शियली। मान लो मैं उसको लेके और बिजनेस कर सकता हूं, मैं उसको लेके मॉडिफाई भी कर सकता हूं, इनफैक्ट मैं उनको ऑफर भी कर सकता हूं कि मेरे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है, आपके प्रोडक्ट में इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग है या मुझे इसके अंदर कुछ और एडवांसमेंट करना है। तो ये कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि उस सॉफ्टवेयर को पब्लिक के पास ज्यादा से ज्यादा ओपन टर्म्स में रखना, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, आप क्यूबरनेटिस आराम से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। बट जब एक कंपनी काम करती है तो कंपनी क्या कहती है, इसका प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बना के बेचो, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अब सोचो आप विंडो की कोई कॉपी नहीं मिलती आपको, लिनक्स की कितनी सारी कॉपीज मिलती हैं, ओपन स्टैक की आपको कितनी कॉपीज मिलती हैं आज के डेट में। इवन दो ओपन स्टैक इज ओपन सोर्स, बट ओपन स्टैक अगर आपको चलाना है तो आपके पास प्रोडक्शन में चलाने के लिए आपको कंपनीज के पास जाना पड़ेगा, चाहे आप रेडिट के पास जाओ जो आपको ओपन स्टैक देंगे, चाहे आप क्या कहते हैं एरिक्सन पे जाओ, नोकिया पे जाओ, वीएमवेयर पे जाओ, गूगल पे जाओ, कहीं भी जाओ, वो लोग अपना प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, बट आपको ओपन स्टैक प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलता है। कहाँ मिलेगा आपको? रेड हैट नहीं, ये कम्युनिटी बोला है कि चलो ठीक है पैक्सटेक की कम्युनिटी है, उनके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके टेस्टिंग कर सकते हो, बट दैट इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, मतलब आप उसमें प्रोडक्शन चला नहीं सकते। तो ये होती है प्रॉब्लम जब कोई कंपनी किसी सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी को ओन कर लेती है। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलते। रेड हैट वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटर इन क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट विद गूगल बिफोर इट्स लॉन्च। मतलब ये कि रेड हैट, जैसा मैंने बोला कि ये मार्केट लीडर है, तो मार्केट लीडर है तो काम भी लीडर वाले ही करता है। जब ये क्यूबरनेटिस का प्रोजेक्ट गूगल कर रहा था ना, तो रेड हैट भी इसका एक मेंबर था, कंट्रीब्यूटर था। कंट्रीब्यूटर मतलब कि जब से ये लॉन्च भी नहीं हुआ तो ऑफिशियली लोगों को कॉमर्शियली पता भी नहीं चला था कि यार क्यूबरनेटिस कोई जैसी कोई टेक्नोलॉजी बन रही है, गूगल बना रहा है, उसी टाइम पे रेड हैट उसका कंट्रीब्यूटर था। तो कंट्रीब्यूटर होने का फायदा क्या होता है? कंट्रीब्यूटर होने का फायदा ये कि वो अपने भी प्रोडक्ट्स बनाता है, वो अपनी भी लाइन तैयार करता है। आज की डेट में रेड हैट ओपन स्टैक, रेड हैट ओपन शिफ्ट बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, सबको पता है, मतलब बहुत से लोग सर्टिफिकेशन की भी तैयारी करते हैं, क्यूबरनेटिस को ही यूज करता है वो। तो अगर आप क्यूबरनेटिस का सर्टिफिकेशन करते हो और उसके बाद आप रेड हैट ओपन स्टैक पे जाते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग है आपको, मतलब वो भी आ जाएगा, ज्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं कि आर्किटेक्चर कैसा होता है, क्योंकि मन में सवाल आ रहे होंगे ना सबके कि यार ये ठीक है, बातें तो बहुत सारी कर दी इसने, लेकिन कहीं कुछ तो दिखाए तो सही है, दिखता कैसा है? तो देखो, विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहली लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर होती है, जो कि आपकी आती है। आप फिजिकल सर्वर के ऊपर भी क्यूबरनेटिस डाल सकते हो। मतलब ये कि मैं एक सर्वर लेता हूँ, उसके ऊपर डायरेक्टली मैं क्यूबरनेटिस बना सकता हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए क्लाउड। ये एक केस है, एग्जाम्पल है। आप वीएम भी बना सकते हो, वीएम तो देखो बनाते ही हो हर हाल में। हाइपरवाइजर मतलब कि फिजिकल सर्वर लिया, केवीएम डाला या कोई भी मतलब किसी भी तरीके का हाइपरवाइजर डाला और उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर वीएम बना दी। वीएम बना के आप नोड्स बना सकते हो या फिर आप क्लाउड ले सकते हो। वो मैं एक्चुअली जब राइटअप कर रहा था ना, तो यहाँ क्लाउड लिखना भूल गया मैं, भूला क्या मतलब यहाँ पे रब कर रहा था तो वो थोड़ा मतलब मिट गया, फिर मैंने दोबारा लिखा नहीं। तो यहाँ पे क्लाउड भी होता है, पब्लिक प्राइवेट कोई भी क्लाउड हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीएम चाहिए, वर्चुअल मशीन। तो अब आप देखो कि क्यूबरनेटिक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, चाहे बेयर मेटल हो, चाहे वीएम हो वाया हाइपरवाइजर, चाहे वीएम हो वाया क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ओपन स्टैक, AWS, Azure, OCI, गूगल क्लाउड, GCP,
किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक सर्वर बना लो, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म ना हो तो फिजिकल सर्वर से बना लो, उसके ऊपर आप अपना क्यूबरनेटिस बना सकते हो। कैसे? क्यूबरनेटिस में क्या क्या होता है, नोड्स देखते हैं क्यूबरनेटिस में, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक सबसे पहली नोड है, ये इसका काम सिर्फ डिप्लॉयमेंट का होता है, मतलब डिप्लॉय कर रहे हो ना पूरा आर्किटेक्चर, तो ये डिप्लॉयमेंट नोड होती है, तो ज्यादा इसके लिए टेंशन ना लो, ये डिप्लॉयमेंट नोड है। असली जो है ना, जैसा अभी अंकित ने बोला कंट्रोलर, तो जैसे ओपन स्टैक था कॉन्सेप्ट, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, यहाँ पे होता है कंट्रोलर, इसको बोलते हैं मास्टर, मास्टर नोड। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, जितना भी आप आर्किटेक्चर में लेना चाहो, इसीलिए मैंने एक सिंगल बॉक्स बनाया है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बनाता ना तो डायग्राम थोड़ा गंदा सा लगता। तो मास्टर नोड होता है सेट ऑफ नोड्स, आप कितने भी नंबर ऑफ वीएम्स बना सकते हो। तो देखो, यहाँ एक सर्वर बना लो या वीएम बना लो, कंट्रोलर की एक वीएम बना लो या सर्वर बना लो। अब असली जो मेन गेम है वो है वर्कर नोड का। वर्कर नोड ही वो नोड होती है जिसके ऊपर कंटेनर चलती हैं, वर्कर नोड के ऊपर कंटेनर्स चलते हैं। अब कंटेनर्स क्यूबरनेटिस ने एक ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्यूबरनेटिस कहता है ना कि डायरेक्ट कंटेनर नहीं बोलता, वो पॉड बोलता है, पॉड चलती है वर्कर नोड के ऊपर, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3, पॉड 4। पॉड से आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पॉड को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझो, पॉड इज अ ग्रुप ऑफ कंटेनर। तो मान लो कि आपके पास तीन टाइप के कंटेनर्स हैं, आपको तीन टाइप के कंटेनर डिप्लॉय करने हैं, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी। मान लो सबसेट हो गए, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन के तीन सबसेट हैं ए, बी एंड सी, तो कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी। अब आप क्या करोगे, उन तीनों कंटेनर को एक पॉड के अंदर कपल कर दो, तो ये क्या होगा, ये एक सिंगल पॉड बन जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा पॉड बना लोगे, तीसरा पॉड बना लोगे, इस तरीके से आप पॉड चला सकते हो। बट आप भूलो मत कि जो कॉन्सेप्ट है वो कंटेनर्स का है, कंटेनर्स माइग्रेट होते हैं, ठीक है, कंटेनर्स माइग्रेट होते हैं, पॉड नहीं होते। तो पॉड एक कपलिंग होती है कि जिसमें आप एक समझ लो एक बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स के अंदर आप दो कंटेनर चला लो, तीन कंटेनर चला लो, एक ही कंटेनर को तीन कॉपी नहीं चलाते, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स की एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप समझ लो, ग्रुप टाइप का होता है, और उस ग्रुप की अपनी एक आईपी होती है। तो पॉड की अपनी आईपी होती है, कंटेनर की कोई आईपी नहीं होती। इसको मैं और अच्छी तरह समझाऊंगा अगली स्लाइड में। अब एक और नोड होती है, ठीक है, फिजिकल या वीएम के टर्म्स में, बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ फिजिकल और वीएम, तो कंफ्यूज मत होना। आप बेयर मेटल से ये सारे नोड्स बना सकते हो, ठीक है, आप 1, 2, 3, 4 नोड ले लो, चार फिजिकल सर्वर ले लो, ये चारों को बना लो, या आप किसी भी क्लाउड से या किसी भी वर्चुअलाइजेशन से वीएम बना लो, 1, 2, 3, 4, तो आपका क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर बन गया। तो ये जो डिप्लॉयर है, कंट्रोलर है और ये वर्कर नोड है, ये अलग अलग वीएम्स हैं अलग बेसिकली। अलग वीएम्स हैं, यस। तभी तो मैंने नोड लिखा है, तभी मैंने नोड लिखा है। हाँ, और मैं इसीलिए बार बार अभी भी रिफ्रेश कर रहा हूँ स्टेटमेंट को कि ये वीएम्स हैं या सर्वर्स हैं। वो वीएम सर्वर मैं जानबूझ के बोलता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूज ना हो जाए, यार ये तो सिर्फ वीएम पे डिप्लॉय होता है, ना ना, ये आप बेयर मेटल पे भी कर सकते हो। आप चार फिजिकल सर्वर लो, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, या आप चार वीएम बना लो, वीएम 1, वीएम 2, वीएम 3, वीएम 4, और उन चारों को आप रोल असाइन कर दो कि ये मेरा डिप्लॉयर है, ये मेरा कंट्रोलर है, ये मेरा वर्कर नोड है, ये मेरा प्रॉक्सी नोड है। अब वर्कर तो यार देखो, ऑब्वियसली आप एक तो थोड़ी चलाओगे, आप जब रिडंडेंसी की बात करो तो 8-10 मान लो, 10 नोड हो गई, मतलब एक वो मान लेते हैं, पूल बना लेते हैं, 10 वर्कर नोड हैं, उनमें क्या होंगे, हमारे पॉड्स चलेंगे, मतलब कंटेनर्स घूमेंगे, उसी में कंटेनर्स चलेंगे। अब क्या होता है, ये एज नोड होती है। ये एज नोड क्या है, एज नोड बेसिकली एक प्रॉक्सी का काम करती है। अब आप कहोगे यार प्रॉक्सी की जरूरत क्या है, प्रॉक्सी की जरूरत है, देखो क्यों जरूरत है, कि ये जो आपने जो पॉड बनाया ना, इस पॉड में आपने मान लो तीन टाइप के कंटेनर रखे हैं, ठीक है, टाइप 1, टाइप A, टाइप B। अब ये जो तीनों कंटेनर्स हैं, ये आपने तो अपना आर्किटेक्चर बना दिया, बट पॉइंट इज दैट ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसको कोई बाहर से एक्सेस करेगा, जिसको हम कस्टमर बोलेंगे, भाई एंड कस्टमर्स होंगे जो इस सर्विस को यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर है जो भी है। तब मान लो इस पॉड के अंदर आपने तीन बनाया कंटेनर, एक बना दिया फ्रंट एंड सर्वर बना दिया, HTML मान लो कोई भी गुई बना दी, फिर आपने एक डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस का कोई पॉड बना दिया, और आपने कुछ बना लिया, कुछ मान लो कोई कैटलॉग बना लिया, इनको तीनों को आपने पॉड दे दिया, पॉड को आपने एक आईपी दे दी। अब क्या होता है कि जब कस्टमर बाहर से कनेक्ट करेगा आर्किटेक्चर में, मान लो मैंने लिखा कि मुझे फ्लिपकार्ट पे आना है, flipkart.com, तो flipkart.com आया, DNS ने रिजोल्व किया, बताया कि flipkart.com की आईपी है। अब यहाँ पे आया ट्रैफिक, इनपुट हुआ, तो अब ये जब आता है ना, तो ये आर्किटेक्चर आप समझो इज अ सिंगल बॉक्स। सिंगल बॉक्स मतलब बाहरी दुनिया के लिए एक ब्लैक बॉक्स है, बाहरी दुनिया ये कहती है कि हमें सिर्फ ये दिखता है, हमें नहीं पता अंदर क्या होता है। अब सबसे पहले वो रिसीव होगा प्रॉक्सी पे,
प्रॉक्सी का काम क्या, एज नोड बोलते हैं बेसिकली, एज नोड। एज नोड क्या करता है, प्रॉक्सी का काम करता है। प्रॉक्सी मतलब क्या होती है कि किसी और की जगह दिखाना कि मैं वो हूँ। जैसे हम क्लास में करते थे ना कि मतलब प्रॉक्सी मार दी कि अटेंडेंस में नाम किसी और का और हमने बोल दिया प्रेजेंट सर, तो टीचर को लगा ये लड़का प्रेजेंट है बट एक्चुअली वो प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होता है, जब बाहर से ट्रैफिक आता है तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है, ये जो प्रॉक्सी नोड होती है, ये बोलती है यस ये मैं फ्लिपकार्ट हूँ। अब ये बोलता है ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट हो तो चलो इसको प्रोसेस करो, तो वो डेटा अंदर जाएगा। मान लो कनेक्शन, डेटा नहीं बेसिकली कनेक्शन बोलते हैं। अब ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, इसको पता है इसके पास एक डीएनएस होता है। डीएनएस मतलब आपका खुद का एक डीएनएस सर्वर होता है, जो डीएनएस ये बताता है कि इस ये मेरी आईपी थी एक्सटर्नल आईपी, इसके लिए इंटरनली मैंने कौन सा पॉड रखा हुआ है। तो जो भी आप पॉड क्रिएट करते हो ना, तब तो आप बोलोगे यार ये मैनुअल होता है, नहीं, ये मैनुअल नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है। जब भी कोई पॉड क्रिएट होता है और उसको एक आईपी मिलती है, तो वो एक इंटरनल आईपी मिलती है, नॉट एक्सटर्नल आईपी। पॉड को जो आईपी मिलती है वो इंटरनल होती है और वो सिर्फ इस स्ट्रक्चर के अंदर ही चलती है। तो इसकी जो आईपी होगी वो 192.168.0.1 होगी समथिंग। बाहर वाले को थोड़ी पता 192 क्या होता है, बाहर वाला तो आएगा 10.7, 10.10. समथिंग करके। तो वो जब आता है तो ये प्रॉक्सी जो नेटवर्क होता है ये क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो जैसे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नेट का पता है ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, काम भी किया होगा कि जब बाहर से कोई ट्रैफिक आता है, जैसे हमारे राउटर पे होता है, जब हमारे राउटर पे कोई ट्रैफिक आता है, मान लो हम बाहर जाते हैं, मान लो मैं अपने लैपटॉप से गूगल को ब्राउज कर रहा हूँ, तो गूगल के पास जो आईपी जाती है वो मेरे लैपटॉप की नहीं जाती है, गूगल के पास जो मेरी आईपी जाती है वो जाती है मेरे राउटर की, और राउटर की जो आईपी होती है वो किसकी होती है, एयरटेल नेटवर्क की। तो एयरटेल बताएगा कि भाई इस, मैंने ये राउटर जो है ये इस पर्टिकुलर आईपी दे रखी है। तो ऐसे ही होता है। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसलेशन करता है, ये जो भी एक्सटर्नल आईपी आती है उसको कन्वर्ट करता है इंटरनल में, इस पोर्ट पे पहुंचा देता है। अब ये पॉड इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके अब ये पॉड रिस्पॉन्ड बैक करेगा क्लाइंट को। तो जब ये क्लाइंट को रिस्पॉन्ड बैक करेगा तो ये वापस इंटरनल नेटवर्क से होते हुए प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर फिर बाहर लेके जाएगा एक्सटर्नल आईपी दिखा के, ये बताएगा हाँ मैं तो एक्सटर्नल आईपी हूँ, और ये फिर एक्सटर्नली कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लग नहीं रहा यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ये प्रॉक्सी बना दिया, क्या ये कंट्रोलर बना दिया। ये दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है बट एक्चुअली ये ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है। तो आप इस बात पे शक मत करो कि प्रॉक्सी लग गया तो मेरा डिले आ जाएगा नेटवर्क में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिले नहीं आएगा, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा कि बीच में प्रॉक्सी सर्वर सब कुछ पड़ रहा है, नो। ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर तरीके से डिजाइन किया गया और इसमें कहीं भी लैग नहीं आता है। ठीक है, हम और अच्छी तरह पढ़ेंगे और आगे के सेशंस में अच्छी तरह समझेंगे इसको, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये डायग्राम को याद रखो। कोई भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, तो इनग्रेस एंड ईग्रेस, ई मतलब कि एग्जिट, इन मतलब इनपुट, तो जो भी आता है और जो भी यहाँ से बाहर जाता है वो इसी प्रॉक्सी सर्वर से होके जाता है। प्रॉक्सी सर्वर ही फ्रंट एंड है पूरी दुनिया के लिए। तो अगर आप मान लो एक क्यूबरनेटिस के ऊपर काम करते हैं, तो जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है यही आपका फ्रंट एंड आईपी है, जो आईपी इसको मिली है यही आपके सर्वर की आईपी है। मतलब एक्सटर्नल आईपी इसी पे असाइन होगा और यही सारी मतलब एक्सटर्नली यही ओपन। आपके सर्वर की आपने मान लो एक पॉड बनाया, पॉड के उसको आपने कोई ओएनएम आईपी दे दी, अब आपने ओएनएम दे दिया, एक ट्रैफिक दे दिया, तो ओएनएम आपने बोल दिया समथिंग लाइक ये मान लो कि 10.10.10.4, और आपने एक ट्रैफिक आईपी भी बना दी मान लो 10.4.4.4 समथिंग ऐसी कुछ मान लो। अब वो जो दोनों VLANs हैं वो बेसिकली सर्वर पे नहीं असाइन होते, पोर्ट पे नहीं होते, वो यहाँ प्रॉक्सी पे असाइन होते हैं। ये प्रॉक्सी उनको मैप करता है फिर आपके VLANs के, इसको लेके जाता है पोर्ट के ऊपर, तो फिर ये आपके अपने पोर्ट पे रीच कर जाओगे। तो जब आप बाहर से लोग, तो जो बेसिकली ONM हम लॉगिन वगैरह के लिए अगर यूज करते हैं, तो अगर मैं लॉगिन करूंगा तो वो डायरेक्ट पोर्ट पे लॉगिन होगा। देखो पोर्ट पे आप अगर, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ONM नेटवर्क को तो आप यहाँ पे लाओ ही मत, है ना, वो तो मेरी गलती है, मैंने आपको बोल दिया। ONM के लिए आपको आना है ना तो आप इधर जाओ, ये है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई एक सिस्टम एडमिन लॉगिन करना चाहता है तो वो इन तीन रास्तों से आए, इन तीन मतलब APIs के थ्रू आए। अगर कस्टमर ट्रैफिक एंड ट्रैफिक है जो भी वो नोड प्रोसेस करता है वो इस रूट से जाता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा एक्सटर्नल आईपी होती है, ट्रैफिक आईपी। तो ये भी बात कर लेता हूँ, REST API, GUI एंड Kubernetes आर्किटेक्चर अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो उसके ऊपर काम करते हैं उनको तीन तरीके की API देता है। एक होता है GUI, तो हाँ Kubernetes की अपनी GUI होती है, जैसे कि ओपन स्टैक का डैशबोर्ड होता था ऐसे ही Kubernetes की भी अपनी एक GUI होती है।
क्यूबरनेटिस की भी अपनी एक CLI होती है। आप क्या करते हो, आप बेसिकली यहाँ कंट्रोलर पे लॉगिन करोगे, कंट्रोलर वन पे आपने लॉगिन कर लिया, इसके बाद आप CLI के थ्रू, और उसके बाद आपको जो भी करना है, पोर्ट अप डाउन करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो आप वाइज CLI कर सकते हो। जैसे हमारे पास इससे पहले था जो कंटेनर थे, सिर्फ इंडिपेंडेंट कंटेनर चलते, उनके पास भी एक इंडिविजुअल IPs होती थी, है ना? नहीं, कंटेनर्स की IP नहीं होती, कंटेनर्स के पास कोई IP नहीं होती। तो पिछले डायग्राम में एक्चुअली मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे तो फिर से दोबारा से समझाने वाला था। वो जो कंटेनर्स होते हैं ना, इनके पास कोई IP नहीं होती है, ये बेसिकली सिस्टम IP यूज करते हैं। कौन सी IP यूज करते हैं? सिस्टम की IP, जो ये OS है ना आपका, ये OS है, इसकी IP यूज करते हैं, होस्ट की IP यूज करते हैं। तो मैं ये कैसे, अगर मान लो मेरे एक होस्ट पे जैसे 50 कंटेनर चल रहे हैं और मैं किस कंटेनर पे लॉगिन करूं, तो कंटेनर पे आपको लॉगिन करना, तो आप अपने होस्ट पे लॉगिन करोगे, उसके बाद फिर आप कंटेनर के अंदर जाओगे, जिसके बाद कंटेनर है, एक IP के बाद आप डायरेक्टली कंटेनर को, हम डायरेक्टली कंटेनर्स पे एक्सेस नहीं कर सकते। हां, कंटेनर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट पॉड को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। पॉड को आप, मतलब आपका मतलब है कि ट्रैफिक, कस्टमर, हां कस्टमर एक्सेस कर सकता है, कस्टमर प्रॉक्सी के पास आएगा, प्रॉक्सी उसे पॉड पे ले जाएगा, फिर ये जो भी रिस्पॉन्स देगा वो प्रॉक्सी को बाहर रिस्पॉन्स दे देगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर को जब लॉगिन करना है, मान लो आप एक इंजीनियर हो जिसको कि क्यूबरनेटिस पे काम करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप लॉगिन करोगे तो आप GUI से लॉगिन कर सकते हो क्यूबरनेटिस की, आप CLI से लॉगिन कर सकते हो। CLI में आप क्या करोगे, आप कंट्रोलर पे लॉगिन कर सकते हो, मान लो कंट्रोलर 1, कंट्रोलर 2 एंड कंट्रोलर 3, तो आप कंट्रोलर 1 की IP पे लॉगिन कर लो, और उसके बाद आपको जो भी काम करना है, पॉड को डिलीट करना है, पॉड को क्रिएट करना है, या पॉड के अंदर जाना है, कंटेनर के अंदर जाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली जो पॉड का कॉन्सेप्ट है ना, क्यूबरनेटिस ने क्यों दिया है, क्यूबरनेटिस ने बोला कि ये जो पुराना वाला आर्किटेक्चर है ना, ये जिसमें ये डॉकर इंजन था, ये मतलब बहुत प्लेन था। प्लेन मतलब ये सिंपल, एक समझ लो कि एक आपने खाने के अंदर एक सिर्फ सब्जी दे दी किसी को, और कुछ नहीं दिया साथ में। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये इसको कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट इन द सेंस कि उस इंजन को तो उसने एज इट इज रखा है, बिना टच किए, उसने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन इसने कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम बनाने का मतलब क्या है कि उसने एक दुनिया बना दी है। वो ये कहता है कि आपके आर्किटेक्चर में मैंने पॉड दे दिया। पॉड क्या करता है कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ, मान लो अगर ABC है, आपने मान लो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाया, उसको तीन कंटेनर में ब्रेक किया है, तीनों कंटेनर को आप एक पॉड के अंदर कपल कर दो और उस पॉड को आप एक सिंगल IP दे दो। उससे क्या होगा कि जो बाहरी जो भी बात करना चाहेगा ना, यहाँ प्रॉक्सी पे आएगा तो प्रॉक्सी इसको यहाँ लेके आ जाएगा। तो इसी में तीनों एप्लीकेशन चल रही है मेरी, तीन कंटेनर चल रहे हैं। बट इसमें मेरा फायदा क्यों हुआ, आना तो मैंने प्रॉक्सी नहीं, प्रॉक्सी के ऊपर और प्रॉक्सी नहीं कंटेनर या वोर्ड से बात करनी है, तो मेरे को पोर्ट के ऊपर IP देने का फायदा क्या हुआ? पोर्ट के ऊपर IP देने का फायदा ये हुआ है कि इस वाले में आप क्या कर रहे थे, आप होस्ट के OS पे लॉगिन कर रहे थे, होस्ट के OS पे लॉगिन करते और होस्ट आपको फिर कंटेनर पे लेके जाता। तो यहाँ पे मान लो आप ये पोर्ट नहीं बनाते, ये प्रॉक्सी आपको यहाँ पे लेके आता, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि GUI, CLI और REST API। REST API जो होता है ना, जनरली किस लिए यूज होता है REST API, यार क्या होता है ना, ये बहुत फेमस है, REST API बहुत फेमस है आज की डेट में। REST API क्या कहता है कि जैसे मान लो कि आप, मान लो हम एक पर्टिकुलर एरिया से आते हैं और हमको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, हम गए किसी और स्टेट में, वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोलता है कोई बंदा, वहाँ के लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, हमने बोल दिया कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आपको कुछ आता ना आता हो आप भी इंग्लिश सीख लो और जो दूसरा बंदा है वो भी इंग्लिश सीख ले, तो आपको उसकी भाषा नहीं सीखनी पड़ेगी और उसको आपकी भाषा नहीं सीखनी पड़ेगी। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, एक तीसरी भाषा को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो ऐसे ही REST API एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो आप लेमेंस के टर्म में समझो तो ये एक इंग्लिश है। इंग्लिश का मतलब क्या है कि आज मान लो मैं क्यूबरनेटिस के लिए बात कर रहा हूँ, कल को मैं ओपन स्टैक की बात कर रहा था, परसों मैं किसी और की बात करूंगा, फिर किसी और टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। तो हर टेक्नोलॉजी जिस पे भी हम काम करते हैं उस पे, उससे बात करने के लिए मशीन्स जब आपस में बात करती हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज डेवलप की जाती है कि भाई ये इनपुट कैसे लेगा। तो क्या होता है कि अब हर बंदा अपना, हर सॉफ्टवेयर, हर कंपनी अपना टेक्नोलॉजी बना रही है, तो हर कोई अपना लैंग्वेज लिखेगा। अब कोई उसके साथ बात करना चाहेगा तो उसको भी उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या किया गया, एक REST API बनाई गई है। REST API क्या कहता है कि जैसे इंग्लिश होती है स्टैंडर्ड, ऐसी ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आप भी अडोप्ट कर लो और जो काम करना चाहता है वो भी अडोप्ट कर लेगा। तो ईजी क्या होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ
वर्ड्स उठाने होते हैं, उसमें से पैरामीटर्स उठाने होते हैं और उन पैरामीटर्स की वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। तो उससे क्या होता है कि डेवलपर्स के लिए काम आसान हो जाता है। तो मान लो कल को आप कहते हो कि मेरे को इस क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर के साथ एक सर्वर इंटीग्रेट करना है और वो सर्वर मेरा जो है कुछ और काम करेगा, जैसे कि बहुत नई टेक्नोलॉजी अभी भी चल रही है, ये तो एक क्यूबरनेटिस है के साथ एक और नई टेक्नोलॉजी भी चल रही है जो मैं अभी नहीं बोल सकता, ठीक है, वो मतलब थोड़ा हिडन है। क्या होता है कि ये ना जब इंटीग्रेशन आप करते हो तो एक सर्वर दूसरे सर्वर से बात कर सके तो REST API चल, ऑलवेज सिलेक्ट REST API। अगर आप एक डेवलपर हो और आप अगर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा REST API सिलेक्ट करो, बिकॉज इट इज लाइक एन ओपन लैंग्वेज। ओपन लैंग्वेज का मतलब है कि कल को कोई दूसरा इंटीग्रेट करना चाहेगा तो बड़े आराम से कर लेगा। GUI तो सबको पता है, जब इंसान लॉग इन करता है तो GUI में सबसे ज्यादा खुश होता है, क्लिक क्लिक क्लिक। CLI मान लो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि यार हमें कमांड चलानी है और देखना है क्या होता है। तो तीन तरीके के इंटरफेसेस दिए गए हैं यूजर्स को, यूजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स को। कस्टमर जो ट्रैफिक चला रहा है वो तो यहाँ से आ रहा है। तो मान लो ये एक फ्लिपकार्ट है, एजम्पशन है, फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं होता है, एजम्पशन है, जस्ट फ्लिपकार्ट है। तो हम मान लो अगर फोन से एक्सेस कर रहे हैं तो हम इस थ्रू इस तरफ से आ रहे हैं, और अगर मान लो कि फ्लिपकार्ट के इंजीनियर्स हैं तो वो जब काम कर रहे हैं तो वो इधर से आ रहे हैं, तो जस्ट गेट है इसके लिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, जो हम अभी बात कर रहे थे कि क्यूबरनेटिस का फायदा क्या है। क्यूबरनेटिस का फायदा यह है कि क्यूबरनेटिस जो है आपको ऑटोमेटिक कंटेनर लॉन्च करने का वो देता है, मेथड देता है, मॉडल देता है, कि आप किसी भी होस्ट के ऊपर, जिसको हम वर्कर नोड बोलते हैं, वर्कर नोड के ऊपर आप कभी भी ऑटोमेटिकली अपना कंटेनर लॉन्च कर सकते हैं। आप अपना एक इकोसिस्टम बना सकते हो, मतलब ये कि एक मिनी वर्ल्ड है। मिनी वर्ल्ड का मतलब समझ रहे हो आप, मिनी वर्ल्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक ऐसी दुनिया बनाई गई है जहां पे 1000 वर्कर नोड्स मान लो आपने लगा दिए, उन 1000 वर्कर नोड्स के ऊपर 500,000 कंटेनर्स चल रहे हैं। उन कंटेनर्स को खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो जस्ट एक वर्कर है। तो तभी मैंने आपको कल जब एग्जाम्पल दिया था तो मैंने आपको बोला था ना वर्कर, वर्कर मतलब कि वो कंटेनर अपना बस काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, वो जस्ट अपना काम करता है। उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, वो आता है अपना काम करता है और एक पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये बेसिकली एक मिनी वर्ल्ड बन जाता है। कस्टमर्स जो नेटवर्क बनाते हैं उनके लिए, मतलब जो परचेस करते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में क्या होता है, एक सिस्टम है, ये चार्जिंग सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये डिफरेंट सिस्टम है, ये HR है, ये IT है, सबके लिए अलग अलग डेटा सेंटर बनाओ, सबके लिए अलग अलग VMs बनाओ। इसका इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म, प्लेटफॉर्म भी खत्म। मतलब ये कि कॉमन प्लेटफॉर्म, अब इसके ऊपर कोई भी आए, कोई भी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान है, स्केलिंग बहुत फास्ट है, किसी को भी कभी भी ट्रैफिक बढ़ता है ऑटोमेटिकली स्केल आउट हो जाता है। लोड बैलेंसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बोल सकते हो ना यार लोड बैलेंसिंग कैसे करेगा, आप तुमने तो कह दिया कि 5 कंटेनर चल गए, सेम 5 कंटेनर मतलब कॉपी, पहले कंटेनर की 5 कॉपी बना दी आपने, पर वो 5 कॉपी में लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, जो ट्रैफिक आएगा बाहर वाला, जैसे मैं अगर पीछे वापस जाता हूँ तो ये प्रॉक्सी क्या करेगा। अब मान लो यहाँ पे 5 पॉड है, अब 5 पॉड के अंदर इसको प्रॉक्सी को कैसे पता चलेगा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ। तो यहाँ पे एक लोड बैलेंसिंग होती है जो कि कोई भी एल्गोरिथम आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आप राउंड रॉबिन करते हो या आप किसी भी तरीके के एल्गोरिथम सिलेक्ट करते हो, उसमें क्या होगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक, तो आपके हर एक कंटेनर को ट्रैफिक मिलेगा और आपका कोई भी कंटेनर ओवरलोडेड नहीं होगा। ऑटोमेटेड रोल आउट एंड रोल बैक, मान लो आप अपने नेटवर्क के अंदर ना आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, आपने नया वर्जन डाला है, तो नया वर्जन आपको रोल आउट करना बड़ा आसान है। अभी तो क्या होता है कि मान लो आप पहले एक टेस्ट बेड पे डालते हो, कस्टमर को दिखाते हो कि देखो आपका सही है, फिर उसकी मान लो 5 साइट है तो एक एक साइट पे आप 1 by 1 डाउन उस पर रोल आउट करते हो, बट यहाँ पे तो ऑटोमेटिक रोल आउट है। अब उस एक साइट के अंदर उसके पास अगर मान लो क्या कहते हैं 100 वर्कर नोड है और उसकी 5000 कंटेनर्स चल रही है, तो वो क्या करना है, सिंपली रिप्लेस करना है, वहां पर नया कंटेनर बनेगा और वो क्या करेगा, नई नई कॉपी सब पे चला देगा। रोल बैक बहुत आसान होता है क्योंकि वो खुद वर्जन मेंटेन करता है। क्यूबरनेटिस खुद जो है इमेजेस जो आती हैं, जब आप जो भी इमेजेस डालते हो कंटेनर की, उनकी वर्जनिंग करता है v1 v2 v3 v4 v5। तो कभी भी आपको रोल बैक करना है तो आपने सिंपली क्या करना, इस वर्जन पे चले जाओ और वो सिंपली उसी टाइम पे सारे कंटेनर्स को जो है नए वर्जन पे ले जाएगा। ऑटोमेटिक बिन पैकिंग, ऑटोमेटिक बिन पैकिंग का मतलब ये होता है कि जो अभी पूछा था अंकित ने कि CPU RAM आप अपने कंटेनर के लिए लिख सकते हो क्यूबरनेटिस के अंदर। तो ये चेंज किया इन्होंने, आप जो क्वेश्चन था ना कि डॉकर इंजन में क्या है, तो डॉकर इंजन में जो कंटेनर चलता है उसके लिए इन्होंने ये एक फीचर ऐड किया है कि आप अपने जो कंटेनर बनाते हो तो आप उसके कंटेनर की CPU और RAM की नीड लिख सकते हो कि मुझे इतना CPU RAM चाहिए होगा। सेल्फ हीलिंग, कंटेनर
कि सेल्फ हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन जो क्यूबरनेटिस ऑफर कर रहा है वो सेल्फ हीलिंग कॉन्सेप्ट पे चलता है। सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या है कि मान लो एक कंटेनर है, आज की डेट में सर्वर्स में क्या होता है, कोई सर्वर में इश्यू होता है तो वो सर्वर को पावर ऑफ कर दिया जाता है ताकि पूरा नेटवर्क हमारा ठीक चलता रहे। इसमें क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर है ये खुद मेंटेन करता है, खुद चेक करता है कि कोई कंटेनर ऐसा तो नहीं जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो खुद उसे पिंग करेगा, खुद उसको जो है क्या कहते हैं चेक करेगा उसकी हेल्थ को, और उसको लगेगा कि कोई भी कंटेनर में इश्यू है तो उसको इमीडिएटली किल कर देगा, पहले रिस्टार्ट करेगा, रिस्टार्ट नहीं होता तो उसे किल कर देगा, किल करके रिस्टार्ट कर देगा। तो दैट मीन्स कि कोई भी कंटेनर अगर आपका फेल होता है तो इमीडिएटली वो रिस्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो आपका आर्किटेक्चर है वो उसको मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोलर मास्टर नोड जो है वो मैनेज कंट्रोल कर रहा है। सीक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये थोड़ा एक एडवांस फीचर है। एडवांस फीचर ये कि मान लो आप डिप्लॉयमेंट करते हो और आप ये कहते हो यार कि मेरी ना बहुत सारी कीज एक्सचेंज होती हैं और मैं ये नहीं चाहता कि यार ये कीज ना कोई भी देखे या पढ़े, तो उस चीज को आप सीक्रेटली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई भी उसको नहीं देख पाएगा कि वो कीज क्या है। ऑफलाइन रेपोजिटरी, एक्चुअली ये क्यूबरनेटिस का फीचर नहीं है, ये डॉकर का ही फीचर है कि आप अपनी ऑफलाइन रेपोजिटरी बना सकते हो। अब कस्टमर तो आपको अलाउ करेगा नहीं कि आप जाओ और इंटरनेट से कनेक्ट करो या डॉकर की रेपोजिटरी में जाओ, या मान लो किसी कंपनी का जिसका भी आपने क्यूबरनेटिस इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो इमेजेस चाहिए होंगी, तो क्या आप ऑनलाइन कनेक्ट करोगे? नो, आप हमेशा ऑफलाइन काम करते हो, हमेशा ऑफलाइन रेपोजिटरी बनाते हो। और एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्यूबरनेटिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल पैस, ट्रेडिशनल पैस नहीं है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस नहीं है, ट्रेडिशनल मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ही है लेकिन ट्रेडिशनल नहीं है, इसको बोलते हैं कंटेनर एज अ सर्विस। अब ये डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस देखो ये है कि जो पैस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, पैस क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दे देता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने सर्विसेज चलाते हो, ठीक है, कंटेनर मान लो जैसे चलाते हैं, ऐसी हम सर्विसेज चलाते हैं, पर आपकी जो भी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जो भी लॉग्स बनते हैं, जो भी डिप्लॉयमेंट्स होती है, वो सब कुछ वो प्लेटफॉर्म कंट्रोल करता है। मतलब ये कि आपको उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अब वो प्लेटफॉर्म कहता है कि मैं आपको जो भी सर्विस बनानी है वो जावा में बनाओ या पाइथन में बनाओ, तो आपको अपनी डेवलपमेंट उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, लेकिन क्यूबरनेटिस ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता है। वो क्यूबरनेटिस क्या कर रहा है, ऑर्केस्ट्रेशन कर रहा है, तो वो कह रहा है कि हम ट्रेडिशनल पैस नहीं है, हम कंटेनर एज अ सर्विस है, हम लॉग्स भी नहीं पढ़ते आपके, मतलब कि कंटेनर के रिलेटेड कोई भी हेल्थ है मान लो या लॉगिंग हो रहा है वो कभी भी क्यूबरनेटिस नहीं पढ़ता है। क्यूबरनेटिस नहीं पढ़ता है मतलब वो ये नहीं कहता कि मेरे सिंगल रिपोजिटरी के अंदर स्टोरेज, मतलब क्या बोलते हैं, लॉग रिपोजिटरी, लॉग में आप सब कुछ लिखो, वो कंट्रोल नहीं करता इन चीजों को, इसीलिए वो बोलता है कि हम ट्रेडिशनल नहीं है, हम एडवांस हैं, हम मॉडर्न पैस हैं, इसीलिए उसे कंटेनर एज अ सर्विस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, जब भी कोई कोई इंटरव्यू में आपको घुमा सकता है कि ट्रेडिशनल पैस है मतलब पैस है या कैश है, तो आप उसको समझा सकते हो इसका डिफरेंस। अब देखो क्या होता है कि अब हम डाउट क्लियर करते हैं, जो ये डाउट आ रहा था ना कि क्या होता है, अब देखो क्या होता है कि पांच लेयर तो आप कभी भी मत भूलना, ठीक है, हमेशा याद रखना। पहली लेयर इसमें क्या है, आपका होस्ट है, हार्डवेयर या वीएम, ओएस है, उसके ऊपर डॉकर इंजन है, इसके ऊपर। अब देखो मैंने क्या किया ना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइन बनाई है, ये जो बॉक्स मैंने लिखा है ना लॉजिकल ओएस, ये एक्चुअली कहीं भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो ये आपको कहीं भी डायग्राम में नहीं दिखेगा किसी भी, पर मैंने आपको समझाने के लिए ये जानबूझ के लिखा है। क्या कहने का मतलब है कि आपके कंटेनर की नजर में ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर आप अपनी ऐप डिपेंडेंसी एंड ऐप आ रहे हो, तो मतलब ये कि कंटेनर के पास ना तो अपनी आईपी होती है, ना तो सीपीयू होता है, ना तो रैम होता है, ना ही स्टोरेज होता है, लेकिन कंटेनर अपने आप को एक कंप्लीट स्टैक मानता है। जब एक कंटेनर रन होता है तो वो ये समझता है कि मैं कंप्लीट वर्चुअल मशीन हूँ, मतलब वर्चुअल मशीन भी नहीं सॉरी सर्वर, वो ये समझता है कि मैं सर्वर हूँ, एक हार्डवेयर है मेरा, उसके ऊपर ओएस डला हुआ है, उस ओएस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऐप होता है, ऐप डिपेंडेंसी उसकी होती है और ऐप होता है, मतलब फिफ्थ लेयर। तो ये कहता है कि ये चौथा पांचवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये 1 2 3 है, ये इसको भी एज्यूम करके चलता है कि ये मैं एक ओएस के ऊपर चल रहा हूँ, तो इसकी नजर में समझता है कि मैं ओएस हूँ, बट ये एक्चुअली में ओएस नहीं होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कंटेनर्स जो होते हैं वो वीएम्स नहीं होते हैं, बट हम बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो हम अपनी समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो एक लॉजिकल वीएम होती है, बट एक्चुअली में वो लॉजिकल भी नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉजिकल ओएस लिख दिया है। तो ये कंटेनर वन है, ये कंटेनर टू है। अब ये प्रोसेस है लॉन्चिंग का, क्या होता है कि आप मान लो कि कंटेनर इमेज, अब क्या होता है, ग्लोबल रेपोजिटरी होती है, ऑफलाइन रेपोजिटरी होती है, हमेशा हम काम करते हैं ऑफलाइन पे, जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जब आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो, जैसे मान लो अपने लैपटॉप पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ग्लोबल रेपो से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से कंटेनर की इमेज होती है पुल,
पुल करके ये अपनी रेपोजिटरी में डाल लेता हूँ ऑफलाइन वाली में। अब यहाँ से आप जैसी को लोग बोलोगे डॉकर रन तो वो रन कर देगा, बोलोगे डॉकर रन कंटेनर टू तो वो इसको रन कर देगा। तो ये होता है डॉकर का कॉन्सेप्ट। क्यूबरनेटिस में क्या होता है, क्यूबरनेटिस में देखो कि जो होस्ट है, अब वर्कर नोड होती है आपकी, वर्कर नोड के ऊपर आपका क्या होता है डॉकर का इंजन डला होता है। अब ये क्या कहता है कि आप इसमें दो कंटेनर ले लो, कंटेनर वन एंड कंटेनर टू। ये मान लो एप्लीकेशन वन है, ये आपका एप्लीकेशन टू है, ये मान लो सबसेट है, एक बड़ा एप्लीकेशन आपने लिखा उसी का सबसेट बना लिया वन एंड टू। इसको ये बोलता है पॉड। पॉड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक वीएम है, या पॉड का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड को। पॉड के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर्स चला सकते हो, सेम कॉपी नहीं चलाते हो कभी भी, आप पॉड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स को ज्वाइन करके एक पॉड बना सकते हो। फायदा क्या होता है कि पॉड की ना अपनी एक आईपी होती है। पॉड की आईपी होने का फायदा क्या है कि आपको मान लो कि जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि इस आर्किटेक्चर में जब कोई बाहरी कम्युनिकेशन होता है ट्रैफिक का, तो वो आपके वर्कर नोड के इंजन पे नहीं आता, वो डायरेक्टली पॉड पे चला जाता है। तो ये एक कह सकते हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके ओएस को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, पॉड डायरेक्टली बात कर रहा है जो भी कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सेम चीज जो मैंने बोला है ना वही चीज यहाँ पे राइट अप है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। जस्ट एक बताने के लिए कि पॉड को ये राइट ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि मतलब आपको ऐसा ना लगे कि यार ये अपने मन से कुछ भी बोल के चला जाता है। तो एक पॉड जो होता है एक लॉजिकल रैपर एंटिटी होती है। रैपर क्या होता है, रैप कर देते हो है ना, एक बॉक्स के अंदर आप बहुत सारी चीजें रख के रैप कर देते हो। एंटिटी फॉर ए कंटेनर टू एग्जीक्यूट इन क्यूबरनेटिस क्लस्टर, पॉड आर द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट इन क्यूबरनेटिस। तो ये होती है पॉड, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड आज की, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तीन तरीके की टेक्नोलॉजी आपने अभी तक पढ़ी है। एक तो आपकी जो इंडस्ट्री में चलती आ रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, दूसरी है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तीसरा भी क्लाउड से ही डिराइव्ड है, क्लाउड से भी आ सकता है या ट्रेडिशनल हार्डवेयर से भी, क्यूबरनेटिस, दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और कंटेनर एज अ सर्विस। अब क्वेश्चन ये है कि आपने क्यूबरनेटिस पढ़ लिया, तो क्या आपकी कंपनी इमीडिएटली, आप मान लो किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो पिछले 5 साल से या 2 साल से, क्या इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट क्यूबरनेटिस पे आ जाएगा? क्वेश्चन ये है, माइग्रेट हो सकता है। क्वेश्चन ये कि क्या माइग्रेशन पॉसिबल है किसी भी प्रोडक्ट का। मान लो मैंने एक बहुत मेरा एडवांस IRCTC मान लेते हैं। चलो अब IRCTC का मैं एग्जांपल पता है क्यों देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा जब भी लॉग इन करो ना तो वो अवेलेबल नहीं होता है, और ऐसे सिनारियोज में ना ये बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है कि फिट होता है। अब IRCTC ने इतना बड़ा एक सॉफ्टवेयर मान लो बनाया हुआ है, सॉल्यूशन बनाया हुआ है, क्या वो ओवर द नाइट माइग्रेट कर सकता है क्यूबरनेटिस के ऊपर? आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये पॉसिबल है माइग्रेशन, माइग्रेशन बोल रहा हूँ मैं, माइग्रेट वर्ड, कि क्या वो ट्रेडिशनल उठ के सीधा क्यूबरनेटिस पे आ जाएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रेडिशनल का जो आर्किटेक्चर है वो है मोनोलिथिक, वो डेवलप हो चुका है, उसका सॉफ्टवेयर बन चुका है, चल रहा है ऑलरेडी। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को जब आप क्लाउड पे लेके आते हो, जब आप VNF बोलते हो, वर्चुअल नेट वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन जब आप बनाते हो तो उसके लिए भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। सेम सॉफ्टवेयर जो आप ट्रेडिशनल कोर पे डिप्लॉय करते हो, सेम सॉफ्टवेयर को आप क्लाउड पे नहीं डिप्लॉय कर सकते। क्लाउड के लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर मिलता है, दैट मींस कि आपका जो डेवलपर है, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने डेवलप किया ये सारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर, तो मुझे एक फिर से सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। बट क्लाउड वाले में क्या होता है ना, ज्यादा टेंशन, इतनी बड़ा मतलब हेडेक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हार्डवेयर हट के वर्चुअल हो रहा है, तो इतना इश्यूज नहीं आता है। तो क्लाउड पे आना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कि थोड़ा बहुत एफर्ट से पॉसिबल है। लेकिन क्यूबरनेटिस पे आना, क्यूबरनेटिस क्या है, कंटेनर आर्किटेक्चर। यार कहाँ मोनोलिथिक और कहाँ कंटेनर, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। तो ट्रेडिशनल क्यूबरनेटिस पे ओवर द नाइट नहीं आ सकता। डिप्लॉयमेंट वाले के लिए तो चलो फिर भी मतलब काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिप्लॉयमेंट वाला क्या करता है, हार्डवेयर से काम शुरू करता है, ये अपने VM से शुरू करता है, ये क्या करता है यहाँ पे ये OS डाल के हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करके OS डाल के काम करता है, ये क्या करता है VM बनाता है इमेज से, इमेज इमेज बना के फिर अपना काम करता है। पर इसका के साथ क्या होता है, ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करता है कंटेनर इमेज से, टेम्पलेट बनाएगा और कंटेनर इमेज। तो डिप्लॉयमेंट वाले को इतना इश्यूज नहीं है, वो मतलब कर सकता है डिप्लॉयमेंट, लेकिन डेवलपर सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी चल रहा है मूविंग फ्रॉम मोनोलिथिक टू कंटेनर, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मोनोलिथिक से माइग्रेट होना कंटेनर पे, ये
इसका मतलब आप समझ रहे हो, क्रिएटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर. क्रिएटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि फ्रेश डेवलपमेंट. IRCTC को पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा से लिखना पड़ेगा, जीरो से सब कुछ नया लिखना पड़ेगा. प्लस जो सॉफ्टवेयर पहले डिप्लॉय होते थे वो सिंगल सर्वर के हिसाब से बनते थे, सब कुछ एक में डाल दो. पर अब ऐसा नहीं होता, आपको मल्टीपल कंटेनर्स लिखने पड़ेंगे. मतलब ये कि आपका जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा मल्टीपल कंटेनर्स में. और जो लैंग्वेज है, पहले मान लो लोग सी यूज करते थे, फिर जावा यूज करते थे, पाइथन इज द मॉडर्न लैंग्वेज. आज की डेट में पाइथन सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, तो आपको पाइथन यूज करनी चाहिए. अगर आप मान लो कि डेवलपर हो और आप एक कंटेनर बेस्ड कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो इट शुड बी इन पाइथन. आपको पाइथन ही यूज करनी चाहिए. ठीक है, आपकी अगर मजबूरी है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, बट आपको पाइथन यूज करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि सबसे इफेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है आज की डेट में. तो माइग्रेशन फ्रॉम मोनोलिथिक टू कंटेनर नॉट पॉसिबल, कंप्लीट न्यू डेवलपमेंट. तो इसीलिए इंडस्ट्री ओवर द नाइट नहीं जा सकती. तो आप अगर सोच रहे हो कि आपकी कंपनी किसी प्रोडक्ट पे काम कर रही है, तो वो ओवर द नाइट क्यूबरनेटिस पे नहीं जा सकती है. बट हाँ, उसको जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर तो वैसे भी खत्म है. ठीक है, क्लाउड पे लोग आ रहे हैं, क्लाउड वाले क्यूबरनेटिस पे जा रहे हैं. क्यूबरनेटिस ही फ्यूचर है, और क्यूबरनेटिस सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक बेसिकली एक इकोसिस्टम है. अब इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में आपकी कंपनी में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंस, IT, टेलीकॉम, किसी भी डोमेन का सॉफ्टवेयर बनेगा, सब कुछ कंटेनर के ऊपर चलेगा. तो ये है हमारा क्यूबरनेटिस. ठीक है, मैंने कोशिश किया कि आपको क्यूबरनेटिस के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअली बता सकूं, जितने भी टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, और मैंने मतलब कोशिश की है. नेक्स्ट वीक मैं आपको लास्ट सेशन दूंगा, थर्ड सेशन वो लास्ट होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबरनेटिस में क्या क्या चीजें चलती हैं. जैसे आपके मन में सवाल आया होगा ना कि यार ये तो तुमने एक VM बना दी, ठीक है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस VM में चल क्या रहा है, ये काम कैसे कर रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीक दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस VM के अंदर क्या होता है, इस VM के अंदर क्या होता है, इस VM के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जो चलती हैं. तो ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा. तो इसके साथ हम अपना क्यूबरनेटिस पूरा करेंगे. तो आज हमने थोड़ा सा सेशन स्ट्रेच कर दिया है, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं नेक्स्ट 8 मिनट्स के लिए. तो अब फोरम ओपन है, कोई भी अगर अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है. ये भी पॉसिबल है कि एक पॉड में सिर्फ एक ही कंटेनर हो, मेरी हाँ एप्लीकेशन बिल्कुल ऐसी है कि मैं तो वही 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 एक ही कंटेनर सफिशिएंट फॉर दैट पर्पस. हाँ हाँ बिल्कुल. पॉड तो जस्ट एक रैपिंग है ना, रैपिंग में आप एक डालो दो डालो मैटर. हाँ, तो मैं मेरी एप्लीकेशन में जितने कंटेनर्स चाहिए उन सबको मैं एक रैप करके एक पॉड मान लेता हूँ, हाँ बिल्कुल. और मुझे और मेरे को अपनी रिडंडेंसी बनाने के लिए क्या कि उसी पॉड को बार बार डिप्लॉय करते हैं, ताकि मेरे जो पूरे एंड टू एंड एप्लीकेशन में फॉर 5 कंटेनर काम कर रहे हैं, तो एक पॉड मेरा भी इंडिपेंडेंटली काम करेगा, दूसरा पॉड मेरे रिडंडेंसी के लिए मान लो, या लोड शेयरिंग के लिए मान लो, हाँ तीसरा पॉड फिर बिल्कुल वो लोड शेयरिंग के लिए, अगर मैं लोड बढ़ता तो तीसरा पॉड बन जाएगा वही सब काम करने के लिए. बिल्कुल ऐसे यार मेरा एक क्वेश्चन है कृष्ण भाई. मान लो मेरी एक एप्लीकेशन है जिसमें 5 DB नोड चाहिए, ठीक है, और मैंने 500 DB नोड अलग अलग पोर्ट्स में डाल दिए, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट आई जो कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन हुई, DB में अपडेट हुई, बट फिर वो सारे DB में सिंक कैसे होगी? ये DB में कैसे सिंक होगी? देखो, डेटाबेस को जब आप एक्सेस करोगे तो आप इस पॉड के थ्रू एक्सेस करोगे, और डेटाबेस कहीं ना कहीं आपका बाहर होगा, राइट. आप मान लो जो स्टोरेज है, स्टोरेज बाहर रखी हुई है, तो अब आप यहाँ से जो पॉड से अपना अपना क्या कहते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, ये जो राइटिंग कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये स्टोरेज पे राइट कर रहे हैं. अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एक अलग से कंटेनर बनाना पड़ेगा जो ये इंक्लूड करे कि आपका डेटाबेस रेप्लिकेट हो रहा है. तो मतलब ये कि आपको और मॉड्यूल लिखना पड़ेगा इसके लिए, समझ गए, जो डेटाबेस को रेप्लिकेट करेगा. यहाँ होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, पुराने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से ना कॉम्प्लेक्स है. समझने के लिए समझो क्या होता है, हम पहले क्या करते थे, हमने 5 नोड लगा दी, 5 नोडों के साथ हमने एक डेटाबेस लगा दिया, पांचों नोड राइट कर रहे हैं. पर हमने 5 नोड क्यों लगाई थी? क्वेश्चन ये है कि हमने 5 नोड क्यों बनाई? 5 नोड हमने इसलिए बनाई थी बिकॉज हम रिडंडेंसी बनाना चाह रहे थे, या हम अपनी TPS बढ़ाना चाह रहे थे कि मेरी एक जो नोड है वो क्या कर रही है, वो एक नोड तो कैपेबल नहीं है, मतलब
कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं है कि वो इतना ट्रैफिक हैंडल कर सके, इसलिए मैंने 5 नोड बनाए। यहाँ पे हमने पॉड्स रखे हैं, कंटेनर्स, मतलब हमने उसकी कॉपीज बनाई है। अब वो क्या डेटाबेस में राइट कर रहे हैं, लेकिन उस डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से कंटेनर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो ये इस एप्लीकेशन को इंश्योर करेगा। तो आप यहाँ पे क्या करते हो कि जो ट्रेडिशनल में आप एक सिंगल मॉड्यूल में सब कुछ डाल सकते हैं ना, वहाँ पे आप सब कुछ एक साथ लिख देते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेक करके मल्टीपल कंटेनर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, अभी और किसी का क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन मतलब समझ में आया होगा और आप लोगों को क्यूबरनेटिस समझ में आया होगा। देखो, ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, प्लेटफॉर्म है जो डॉकर को यूज कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको पहले डॉकर पढ़ाया, फिर मैंने आपको बताया ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है और क्यूबरनेटिस कैसे ऑर्केस्ट्रेट करता है। आर्किटेक्चर में नोड्स भी दिखाइए कि कैसे कैसे नोड्स होते हैं क्यूबरनेटिस की, तो इससे आपको एटलीस्ट क्यूबरनेटिस के कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए। अब आज की डेट में आप ब्लैंक नहीं हो कि क्यूबरनेटिस क्या है। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि मतलब आप लोगों को समझ में आया और आप लोग अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको कोई इश्यूज आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीक हम इसका लास्ट सेशन करेंगे और लास्ट सेशन में आपके जो भी डाउट्स होंगे, आप एक वीक का टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो इसके साथ हम आज के सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल।